नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। 2019 जा रहा है और बहुत कुछ राजनीतिक घटनाक्रम है जो 2019 में देखने को मिला, जो शायद इतिहास भी बनेगा, सबके जहन में भी होगा। लेकिन साथ ही साथ 2020 का हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनौतियां देश के लिए राजनीतिक स्तर पर भी अगर हम बात करें तो रहेगी इस आने वाले साल में। तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा के लिए, खासतौर से समीक्षा के लिए हमारे साथ जगदीश चंद्र जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस खास शो में। शुरुआत में पहला सवाल ये कि 2019 आपके लिए, ये बीता साल का नजरिया क्या है? 2019 एक इवेंटफुल ईयर था जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ इवेंट्स, फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड ए ग्रेट ईयर। इनफैक्ट 2019 रहा राजनीतिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा सियासी घटनाएं हुई और जिन्होंने देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। तो आपके नज़रिए से, आपके निगाहों के अनुसार क्या आपने देखा, क्या सोचा? 2019 की बड़ी घटनाओं का जब हम जिक्र करते हैं तो पुलवामा और बालाकोट के चमत्कार से नरेंद्र मोदी का उदय, पुनर्उदय, फिर से उनका प्रधानमंत्री बनना, अमित शाह का गृह मंत्री बनना, सरदार पटेल की इमेज के साथ भारतीय राजनीति में फिर से उनका अवतरण होना, ये अद्भुत चीज़ें हैं जो इस वर्ष में हुई, जिन्होंने अमित शाह को खास तौर पर एक राष्ट्र नायक के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा की नींव इस वर्ष में रखी गई। इसके अलावा राहुल गांधी की विफलता, अमेठी से चुनाव हारना, कांग्रेस संगठन का प्रैक्टिकली बिना किसी लीडरशिप के होना और अभी तक ये तय नहीं होना कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे या नहीं, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, आर्मी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक नए पोस्ट का क्रिएट होना और कांग्रेस की राजनीति में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का एक नेशनल लीडर के रूप में एमरजेंस, ये कुछ बड़ी घटनाएं 2019 में दे गया जी। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये है कि जब 2019 की शुरुआत से अगर देखें तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था भाजपा के ऊपर दोबारा से सरकार बनाने का, और ख़ास तौर पे अगर मैं अमित शाह जी की बात करूँ, और ये तब जब तीन बड़े राज्य जिसमें राजस्थान भी शामिल था वो राज्य हार चुकी थी भाजपा। तो आपको लगता है कि ये पूरा साल और उसके बाद के घटनाक्रम जो आपने अभी कहे भी है, पूरा साल अमित शाह को डेडिकेट किया जा सकता है इन अ वे? एब्सोल्युटली, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में 2019 का वर्ष अमित शाह के नाम का वर्ष रहा। 2019 अमित शाह पर्यायवाची रहे। देश में जो कुछ हुआ वो अमित शाह के एजेंडा, उनके भाषणों से, उनके आक्रामक शैली से ये तय हुआ। 370, उसके बाद में NRC, ये सब बातें अमित शाह के खाते में हैं, ये सब अमित शाह की बदौलत हैं। और मैंने सुना है कि इस बार प्रधानमंत्री से उन्होंने जब दोबारा शपथ ली थी तो ये कहा था कि आप डेवलपमेंट का एजेंडा करिए, इस बार पॉलिटिकल एजेंडा पे मुझे काम करने दीजिए, और वो काम करके उन्होंने दिखाया। तो ये सब अमित शाह की बदौलत है। भाजपा का नया रूप, हिंदू राष्ट्र का रूप, इसकी नींव रखने का रूप, ये सब अमित शाह की बदौलत है। तो सेफली कहा जा सकता है 2019 का वर्ष अमित शाह के नाम रहा। क्योंकि आपने शपथ का यहाँ जिक्र किया तो एक बहुत रोचक किस्सा ये भी था कि जब पूरा गवर्नमेंट फॉर्मेशन था तो सबसे पहले आपने ही चलाया था कि वो शपथ भी लेंगे और गृह मंत्री बनेंगे। देश भर में चल रहा था कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, फिर शपथ का पूरा मन सजता है, तब तक भी सीन में यही होता है कि नंबर टू राजनाथ सिंह है। शपथ होने के बाद तुरंत सिनेरियो बदल जाता है कि नंबर टू अमित शाह हो गए, अभी तक भी नंबर टू से ज़्यादा की भूमिका में वो हैं। तो क्या ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, आप देखते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में या अगले चुनाव में या आने वाले टाइम में वो प्रधानमंत्री की भूमिका में भी आ सकते हैं? देखिए, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने की जल्दी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी से उम्र में 12 साल छोटे हैं, गुजरात में उनके नंबर टू बन के काम कर चुके हैं। और कुछ ऐसा समझिए कि लॉयल्टी, कमिटमेंट और स्टेट ऑफ माइंड कि अमित शाह कभी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखते ही नहीं हैं, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए तो हमेशा वो अपने आप को नंबर टू प्रधान सेनापति सिपा सालार के रूप में ही वो देखते हैं। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रोल में हैं। और अगर थोड़ा मैं इसका और विस्तार दूँ इस बात को, तो ये कहा जा सकता है विद द स्पेसिफिक कंसेंट, अप्रूवल एंड डेलीगेशन बाय नरेंद्र मोदी, ही इज़ वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर डोमेस्टिक अफेयर्स। नरेंद्र मोदी हैज़ टेकन ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल अफेयर्स। इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की इच्छा है नोबल पुरस्कार लेने की, एक अपने आप को स्टेट्समैन के रूप में प्रोजेक्ट करने की, बड़ा आदमी बनने की अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पे। और उनका बस चले तो अमेरिका से चुनाव लड़े और चुनाव जीत के वहाँ से दिखा दें,
उनका एजेंडा डिफरेंट है। तो देश का सारा शासन उसकी बागडोर अमित शाह को उन्होंने सौंप दी है, और ये खाली कागजों में नहीं है, एक्चुअल में है। हर शनिवार को अमित शाह सारे विभागों की एक समीक्षा बैठक लेते हैं, रिव्यू करते हैं, पीएमओ लेता है वो अलग है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, दे आर मेड फॉर ईच अदर। दोनों में सत्ता का बंटवारा है, जो पावर्स का डेलीगेशन है, वो इतना विचित्र ऐसा है कि आमतौर पर लगता ऐसा है कि यार असली प्राइम मिनिस्टर तो अमित शाह ही है, पर है नहीं। न तो उनके मन में ऐसी तमन्ना है। तीन दिन पहले उन्होंने कहा कि आई एम टू जूनियर टू बी कंसिडर्ड एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। वो सब बातें उनके परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। वो नरेंद्र मोदी के हनुमान बन के खुश हैं और इसी में मगन हैं, और अपने बढ़ते ग्राफ से, हिंदू राष्ट्र के विचारों से, अपने एजेंडा के लागू करने से देख के गदगद हैं। इसके अलावा शायद उन्हें अभी कुछ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सर, क्या आप मानते हैं कि राम मंदिर, धारा 370 और NRC के बाद क्या ऐसा कोई मुद्दा है जिसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब भुना पाएंगे? उनके लिए मुद्दे अनंत हैं, वो मुद्दों की खान हैं, वो हर रोज़ एक नया मुद्दा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं 24/7, और बहुत मेहनत करते हैं, नए नए नारे घड़ते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं। अब आपने पूछा कि स्पेसिफिक क्या मुद्दा है उनको फिर से भुनाने का 2024 में या 2029 में या 2034 में, तो उनके मुद्दे अनंत हैं, और वो कह चुके हैं कि 50 साल तक भाजपा राज करेगी। लेकिन मुझे जो क्लोज विजिबिलिटी में जो दिखाई देती है, चीज़ दिखाई देती है, अब उनका अगला मुद्दा जो है, ये जब सब मुद्दे पूरे हो जाएंगे NRC वगैरह के, और मुझे लगता है NRC पूरे होते होते 2024 आ जाएगा, एक मुद्दा तो भी ये जिंदा रहेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा जिससे कि लोग मोहित होते हैं, जिसे ग्लैमरस होते हैं, वो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे वापस कब्जा कर लेना। ये उनका मेन एजेंडा रहेगा, कश्मीर में जाके वहाँ तक जाएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं, चले भी जाएँ और ले भी आएँ। इसमें हालात ऐसे हैं, मनोबल इतना डाउन है पाकिस्तानी आर्मी का, और हमारा मनोबल इतना अप है इन लोगों का कि कुछ भी कर सकते हैं, करके आ सकते हैं। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ NRC और आपका पॉपुलेशन रजिस्टर, ऐसे मुद्दों का जीवित रहना, इनका समापन होना, और नए मुद्दे का श्री गणेश होना, और उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना, वो है POK का मुद्दा, वहाँ से कब्जा वापस लेना भारत का, जो है ये मुद्दे हो सकते हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा भी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बात जब हो ही रही है, सर क्या 2019 में जो हुआ उससे 2024 की स्क्रिप्ट और एजेंडा दोनों ही तय कर दिया अमित शाह और मोदी ने? ये सही है, मैंने जो भी आपसे कहा वो अपने मन में मुद्दा तय कर चुके हैं। बस उनकी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आर्थिक फ्रंट को कंट्रोल कैसे करें, उस पर क्या मुद्दा लेके आएँ ताकि देश की जनता को अच्छे दिनों जैसा वादा फिर से दिखाएं, एक सपना, एक कमिटमेंट, एक रियलिटी, ऐसी हम क्या बना के वहाँ से लाएं। और ये सच है कि 2024 की स्क्रिप्ट तो वो लिख चुके हैं, और स्क्रिप्ट वही है जो मैंने अभी आपसे कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कब्जा लेना, NRC को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना। सर, धारा 370 की बात लगातार आप कह रहे हैं और कर रहे हैं, हम जिस प्रकार से धारा 370 के बाद कश्मीर में प्रदर्शन हुए, अभी जो वहाँ पर हालात हैं उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? कश्मीर के हालात मिक्स्ड हैं, खुशी भी है, थोड़ी निराशा भी है। खुशी तो देश के अधिकांश लोगों में इस बात को लेके है कि कश्मीर मुख्य धारा में आ गया, स्टेट ऑफ माइंड, कि उसका एक अलग झंडा, अलग राष्ट्र की धारणा, एक अलग भाव था कि भारत सरकार का कोई कानून जो है वहाँ की असेंबली की सहमति के बिना नहीं लागू कर सकते, वहाँ संपत्ति नहीं खरीद सकते, कुछ और नहीं कर सकते। तो स्टेट ऑफ माइंड में यह है सबके क्लियर हो गया कि हाँ, हमारा एक्सपांशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया हिंदुस्तान का, प्रैक्टिकली वर्चुअली जो है, तो कश्मीर उसका पार्ट हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो थोड़ा सा पेनफुल है। अभी कई लोग छूटे नहीं हैं, जेलों में हैं, आप देखते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर अभी आलमोस्ट सही है, लेकिन जनजीवन पूरे तौर पे सामान्य नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। तो कश्मीर का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन जब सरकार बड़े बड़े फैसले लेती है राजनीतिक, तो कुछ कष्ट होता है कुछ समय के लिए, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी सरकार अपने अवाम के खिलाफ नहीं जा सकती। इसलिए आज नहीं तो कल कश्मीर मुख्य धारा में आएगा, जनता मुख्य धारा में लौटेगी, एंड आई होप एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। सर, मेरा सवाल भी कश्मीर से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि कई नेताओं को नज़रबंद भी वहाँ किया हुआ है। महबूबा मुफ्ती हो गई, फारूक अब्दुल्ला हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए, और इंटरनेट सेवाएं जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक बंद पड़ी हुई हैं, तो कैसे हालात सुधरेंगे, क्योंकि इस पर सियासत भी लगातार हो रही है, नेता बार बार सवाल भी उठा रहे हैं। इसमें देखिए, जहाँ तक उनकी नज़रबंदी का सवाल है, तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। जब इतने बड़े फैसले होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी को ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो घरों में बंद करते हैं, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल। मैंने अखबार में पढ़ा था कि अपनी मर्जी की फिल्म देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस ये भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे।
अब करना पड़ता है। शेख अब्दुल्ला देख कितने साल बंद रहे थे, नज़रबंद रहे थे, एट टाइम्स यू टेक हार्ड पॉलिटिकल डिसीजंस, इतनी सी बात है। लेकिन उनके साथ कोई पेनफुल ऐसा कुछ नहीं है, कोई पीड़ा में नहीं है वो लोग, या कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं किसी का, या ह्यूमिलेशन नहीं उस तरह का। ठीक है, वो अपने घर में नज़रबंद हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जितना जल्द हो सके हालात सामान्य हों, पॉलिटिकल लीडर्स को बाहर आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडर से ही किसी स्टेट का एग्जिस्टेंस होता है। उनको लंबे समय तक बंद रख के या जनता से दूर रख के कोई भी पार्टी, चाहे वो केंद्र में हो या कहीं हो, वो शासन नहीं कर सकती। आई होप के देल बी रिलीज सून, जिसे कहा जाए। दूसरे, आप जो इंटरनेट की बात कह रहे हैं, कश्मीर के हालात पहले से काफ़ी ठीक हैं, इंटरनेट कई हिस्सों में बंद है अभी, लेकिन आई थिंक इन मंथ और सो आई थिंक एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। सर, बड़ी चर्चा है NRC को लेकर, नागरिकता कानून को लेकर, और पूरे देश में हल्ला है। तो क्या लगता है कि माइनॉरिटी को टारगेट करके, ख़ासतौर से मुस्लिम वर्ग को टारगेट कर ये कानून लाया गया, अकलियत को टारगेट किया गया? ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी का सोचना है, माइनॉरिटीज़ का सोचना है। टारगेट नहीं किया BJP ने या अमित शाह ने, उनका तो सेंस ऑफ दिस थिंग है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा में प्राथमिकता क्या है। हमारी राजनीतिक विचारधारा में हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्राथमिकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मुसलमान बाहर भेज दिए जाएंगे, देश से निकाल दिए जाएंगे, या कहीं और कुछ उनका हो जाएगा, अलग से कोई सेपरेशन, कोई कैंप बन जाएंगे बड़े मीलों तक फैले हुए, ऐसा कोई इरादा नहीं है उनका। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का अपनी जगह सोचना है, और उनके सोचने के कारण हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि इस कानून का पहला प्रावधान ये है कि मुस्लिम को छोड़कर, मैं रिपीट करूँगा, मुस्लिम को छोड़कर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से किसी भी दूसरी जाति का कोई भी व्यक्ति, हिंदू, ठीक है, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध इत्यादि, जो 2014 तक, उन्हें यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन मुसलमान को छोड़ दिया गया है। उससे आशंका बनी लोगों के मन में, हमें छोड़ा गया है इसका मतलब हमें नागरिकता नहीं मिलेगी। देश में प्रदर्शन हुए, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ने सबने क्लियर कर दिया है, इंडियन मुस्लिम्स डोंट नीड टू वरी एट ऑल, वो इसका पार्ट नहीं है। तो आज फेस वैल्यू पे इनके वचन को, इनकी घोषणा को यकीन करना ही होगा, और जब मुस्लिम भी ये यकीन कर लेगा तो फिर आंदोलन भी फिलहाल नहीं होगा। इस तरह टारगेट का कोई नहीं था, अपने अपने प्राथमिकता एजेंडा की है, उसको लागू करने की है, बिल्कुल। और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसी जुड़ा, राम मंदिर का इशू था और शिया कम्युनिटी साथ आ गई थी केंद्र के, लेकिन अब जब ये NRC और CAA आया, तब ये पूरा शिया सुन्नी एक साथ विरोध अब शुरू हो चुका है। तो अब उनको ऐसा लगता है कि राम मंदिर वाला मुद्दा भी, जो कहीं उस फैसले को मान रहे थे, अदालत के फैसले को, उसको भी जोड़कर देखा जाता है। देखिए, दो बातें हैं, राम मंदिर मुद्दा इज क्लोज्ड फॉर सेंचुरीज नाउ, कोई चांस नहीं है उसके रीओपन होने का। कोर्ट ने भी ठप्पा लगा दिया है कि नो, वी हैव हर्ड ऑल पार्टीज एंड डिसीजन इज फाइनल, वो कोई मुद्दा नहीं है। अब लॉ एंड ऑर्डर कोई क्रिएट करना चाहे, ज़बरदस्ती मुद्दा क्रिएट करना चाहे, तो आप कहीं कभी भी कर सकते हैं, किसी मुद्दे पे कर सकते हैं। तो वो अगर ऐसा होगा तो लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स अगेंस्ट द मिसक्रिएंट्स एंड द पीपल हु आर डैमेजिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो तो एक अलग मुद्दा है। ठीक, दूसरा आपका क्या सवाल था, एक टुकड़ा और था आपके सवाल में। सर, शिया जो वो साथ, ये देखिए, ऐसा राजनीति में लोगों के अलायंसेज, गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। वो लोग जिन्होंने, जो राम मंदिर के फैसले से आहत थे या खुश नहीं थे, उनको लगा कि प्रदर्शन हो रहे हैं, लेट्स अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ए वॉइस ऑफ डिसेंट, कुछ लोग जुड़ जाते हैं। बट टाइम इज़ ए हीलर, इतने बड़े राष्ट्र में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर हिस्सा कितना महत्व रखता है, कितना नहीं रखता है, कोई खास बात नहीं है, ऑल इन द गेम। बिल्कुल, CNRC को लेकर सर बहुत विरोध भी हुआ, और 5 कांग्रेस शासित राज्य की बात करें, पश्चिम बंगाल, केरल हो गए सहित 11 राज्य हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है इसे लागू करने को लेकर। और यदि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस कानून के पक्ष में फैसला आता है, तो क्या तब भी ये सभी राज्य इसे लागू नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर ऐसा होता है तो क्या केंद्र सरकार का रुख इस स्थिति में क्या रहेगा? यह एक महत्वपूर्ण विषय है जी, कि आज 10-11 राज्यों ने इसे लागू करने से इनकार किया है। लेकिन इसके दो पहलू हैं, इसमें 5 कांग्रेसी शासित राज्य भी हैं जिन्हें पार्टी ने कोई लाइन नहीं ली अभी तक, इंडिविजुअल चीफ मिनिस्टर्स ने लाइन ली है, एक को देख के दूसरे ने लाइन ली, अशोक गहलोत ने लीड किया तो बाकियों ने उसको फॉलो किया कि हम लागू नहीं करेंगे, सोनिया गांधी नहीं बोली अभी तक। तो पार्टी की लाइन अभी तक स्पष्ट नहीं कि क्या होगा आने वाले कल को। और दूसरा पहलू ये है
कि 2003 में जब ये एक्ट आया था पहली बार, तो 2004 में यूपीए सरकार आ गई थी, तो आप 10 साल क्यों नहीं बोले इस पर, कोई संशोधन करने थे, 15 साल क्यों नहीं बोले, आपको संशोधन करना चाहिए था इसमें। तो आज सोनिया गांधी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, जहाँ तक मेरा आकलन है, अभी तक तो उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि क्या स्टैंड लेना है, इसलिए अभी तक तो उनका बयान नहीं आया है। लेकिन बहुत संभावना ये है कि चूंकि पावरफुल चीफ मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के, स्पेशली अशोक गहलोत एंड अदर्स, कमलनाथ, तो मुझे लगता है सोनिया गांधी वही लाइन टो करेंगी। लेकिन फिर डिपेंड करेगा, राहुल गांधी का नया अवतार अब आएगा मार्च में, न्यू एडिशन ऑफ राहुल गांधी इन कांग्रेस, फर्स्ट एडिशन उसमें खत्म हो गया था, उसमें क्या व्यू लेगी कांग्रेस वो अलग बात है। नाउ कमिंग टू अदर स्टेट्स, ममता है वो वहाँ की पार्टी अध्यक्ष भी हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा में पार्टी अध्यक्ष भी हैं, एक किसी और स्टेट के हैं सज्जन, वो भी वहाँ के अध्यक्ष हैं, वहीं के केरल की बात हो रही है जैसे, वो वहाँ के पार्टी चीफ भी हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं। तो अब ये सब लोग जो है, इसको इनका स्टैंड अगर यही रहता है कि हम लागू नहीं करेंगे, तो एक गंभीर विषय होगा, या लॉ एंड ऑर्डर का विषय भी हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में फेडरल सिस्टम में राज्यों को अधिकार है कि वो ना कह सकते हैं, संविधान में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में सुरक्षा के नाम पे, देश हित के नाम पे, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे, संविधान के इन प्रावधानों के अंतर्गत सेंट्रल इम्पोज कर सकता है किसी लोग को, लेकिन उसके लिए अब ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। तो लेट सी क्या सिचुएशन एमर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट का रेलेवेंस तो केवल इतना है कि नैतिक प्रभाव की बात है, सुप्रीम कोर्ट आड़े नहीं आ रहा, सरकार चाहे तो आज भी ऑर्डिनेंस ला के इन राज्यों को 356 में ले सकती है, कुछ और कर सकती है, फोर्स करा सकती है उनको जो है, लेकिन राज्य कहेंगे हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम लागू नहीं कर सकते। तो कन्फ्रंटेशन की बात है, और कोई भी सरकार केंद्र में हो और 10-10, 11-11 राज्यों को 356 में लाए, ये संभव नहीं है। इसलिए इसका तो समय के साथ साथ ही कोई सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन विषय गंभीर है, आने वाला वक्त इन सारे सवालों का जवाब देगा कि ये राज्य जो डिफाइंड होंगे उनके साथ सेंटर कैसे बिहेव करेगा, इट इज़ येट टू बी सीन। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पहले हवा बनाया गया, उसके बाद मामला आया NRC पर, लेकिन अब जो बात है वो अटक गई है NPR को लेकर। सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि NPR जो है वो NRC का बेस है, एक आधार है, पहली सीढ़ी है? क्योंकि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि 2024 तक NRC पूरे देश में लागू हो जाएगा, और उसके बाद जितने भी घुसपैठिए हैं, वो चाहे वेस्ट बंगाल में हो 55 लाख के करीब वहाँ पर है, या फिर असम में हो 15 लाख के करीब वहाँ पर है, ओवरऑल 2 करोड़ से भी ज़्यादा जो घुसपैठिए हैं वो देश में है। सर, अगर लागू नहीं होता इन सिचुएशन 2024 तक NRC, तो फिर उन घुसपैठियों का देश में क्या भविष्य रह जाएगा सर, आगे उसके बाद 2024 के बाद? आपके सवाल के दो टुकड़े हैं, एक तो अमित शाह ने क्या कहा, और ये है कि क्या नेशनल पॉपुलेशन का पहला कदम है, पहली सीढ़ी है। तो पहला आपका सही है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उसकी पहली कड़ी है, इसके आंकड़े आने के बाद में सरकार फैसला करेगी, सरकार अगर चाहेगी तो NRC का बेस वो बनेगा रजिस्टर, पॉपुलेशन रजिस्टर, तो वो तो सही है। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये कि सरकार निश्चित तौर पे NRC लागू करेगी, आज नहीं कल करेगी, परसों करेगी, अवधि चाहे उसकी तय नहीं हो, लेकिन उसको लागू करेगी। अब सवाल ये है कि अमित शाह ने क्या कहा और प्रधानमंत्री ने क्या कहा इन वे। तो अमित शाह ने कहा कि हम लागू करेंगे, पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा है उसके अंदर कि हम लागू करेंगे और आप इसके लिए तैयार हो जाइए, बस इतनी सी बात है अभी, भाई कब लागू होगा, क्या होगा, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। सर, अगर लागू नहीं होता तो फिर उन घुसपैठियों का क्या भविष्य हो जाएगा देश में, उस पर भी लगातार बहस हो रही है। गुड क्वेश्चन, योर मेमोरी इज़ गुड, थर्ड पार्ट में भूल गया था, आपने याद दिलाया मुझे जो है। तो उसमें यह है कि अभी आसाम का मामला इन्हीं सुलटा है, इन वे वहीं पर 31 लाख लोग बाहर कर दिए गए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या किया जाएगा, 12 लाख हिंदू भी शामिल हैं उसके अंदर, तो ये अभी तय नहीं, उन लोगों का क्या होगा। लेकिन RSS में एक सुझाव किसी ने दिया है कि इनका आप लार्ज स्केल पे कन्वर्जन करा दीजिए उस समय। अब अगर वो सब लोग हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे तो BJP के वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो ये अलग अलग सवाल हैं, समय के साथ साथ इनके उत्तर आएंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इसका आस्पेक्ट बड़ा गंभीर है कि 2 करोड़ लोग हैं या 1 करोड़ लोग हैं, क्या होगा इनके लिए, किसी नए राष्ट्र का जन्म होगा, या बांग्लादेश वापस चले जाएंगे, या जैसलमेर के आगे कोई 1000 किलोमीटर का एरिया बनेगा इनके लिए, क्या होगा इन लोगों का, दिस इज़ येट टू बी सीन। बिल्कुल सर, बात NRC की ही हो रही है, तो NRC जिस प्रकार से हम देख रहे हैं इस मुद्दे को 2024 तक इसको शुरुआती दौर में लागू करने के लिए जो बातचीत हो रही है, उसमें क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह में क्या कोई वैचारिक मतभेद है या फिर कोई कम्युनिकेशन गैप है? वैचारिक मतभेद नहीं है और न ही कम्युनिकेशन गैप है, स्पीड का डिफरेंस है केवल। अमित शाह चाहते हैं तुरंत, ही इज़ ए मैन ऑफ एक्शन, और वो परवाह नहीं करते किसी डिसेंट की। मोदी थोड़ा सा लिबरल हैं एज़ कम्पेयर टू अमित शाह, और थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सेटअप में डिसेंट की थोड़ी परवाह करते हैं एज़ कम्पेयर टू अमित शाह, नॉट एज़ कम्पेयर टू अदर डेमोक्रेटिक लीडर्स, ठीक है। तो उसमें जब अमित शाह ने पार्लियामेंट में साफ कह दिया कि NRC लागू करने का मन बना लीजिए,
ये तो होगा और उन्होंने कहा लागू होगा, लेकिन उन्होंने कोई डेट नहीं बताई थी इसकी कि 2024 तक वो क्या होगा। और साथ में ये भी नहीं कहा था, जो पहला सवाल था आपका, कि उन लोगों का क्या होगा, क्या घुसपैठिए बाहर फेंक दिए जाएंगे जो चुन चुन के निकाले जाएंगे। इन दो मुद्दों पर वो साइलेंट थे। उन्होंने भी यही कहा था कि अभी लागू नहीं हो रहा। अब इसके बाद देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बोला 22 तारीख को दिल्ली की रैली में, उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इसके बाद अमित शाह ने ANI को इंटरव्यू दिया, इसी परसेप्शन को दूर करने के लिए भी हमें कोई मतभेद नहीं, हम एक ही बात कर रहे हैं, केवल डिग्री का फ़र्क है उस बात और उसकी स्पीड का फ़र्क है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अमित शाह ने भी फिर जो इंटरव्यू दिया उसमें यही कहा कि अभी इस पर नहीं है। तो अमित शाह का जोर अब अभी पे आ गया, अभी, लेकिन अभी का अर्थ ये नहीं है कि कभी नहीं, लागू होगा एक दिन। इन वे तो कोई मतभेद नहीं, एक ही हैं, जो देश में प्रदर्शन हुए, दबाव बना, मोदी इज स्लाइटली मोर टू द स्टेट्समैनशिप, तो उन्होंने ये बयान दिया। इस तरह से थोड़ा ठंडे छींटे डालने वाली जैसी बात है ना ये। बाकी NRC तो क्या है, एक बेसिक मुद्दा है इनका, ऑक्सीजन है, ये लागू होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, सेकेंड पार्ट में वो लोग कहाँ जाएंगे, इट इज़ नॉट सर्टन, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड। सर तकरीबन 11 राज्य हैं जहाँ विरोध है, लेकिन बंगाल में विरोध बहुत तीखा है, ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई है, और दूसरा वहाँ चुनाव भी होने हैं नए साल में, तो क्या लगता है कि कानून का कहीं ना कहीं टारगेट बंगाल भी है? देखिए ऐसा है, ममता बनर्जी का मुद्दा थोड़ा डिफरेंट है, इज़ ए क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल फॉर हर। इसी मुद्दे पे वहाँ 33% मतदाता मुस्लिम वोटर्स हैं, बांग्लादेशी हैं, इन वे बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, उनको आशंका है कि 55 लाख लोग अगर बाहर चले गए या 2 करोड़ लोग बाहर चले गए तो मेरा क्या होगा, सत्ता से चली जाएगी, BJP वैसे ही काफ़ी भारी रही है इस उपचुनाव को छोड़ के, टिल देन 3 महीने पहले तक जो है। तो ममता की चिंता है, तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है वो कहती है मैं नहीं होने दूंगी, वो डिपेंड उस पर करेगा कि जब 11 राज्य नहीं होने देंगे, 10 नहीं होने देंगे, तो जो उनके साथ होगा वो ममता के साथ होगा। लेकिन बहरहाल ममता इस सारे आंदोलन में एक बेनिफिशरी है, एक गेनर है, उसने अपने लॉस ग्राउंड को काफ़ी गेन किया है, और जो कहते थे BJP आ गई बंगाल में और जो 18 सीटें लाए थे वो थोड़ा सा धुंधला पड़ रहा है सीन, और 2021 में ममता पक्के तौर पर हार जाएगी ऐसा नहीं लग रहा अभी तो। अब 2021 के शुरुआत में क्या घटनाक्रम होता है चुनाव से 6 महीने पहले अलग बात है, फिलहाल तो ममता इज़ ए हैप्पी लेडी और बहुत राजकाज छोड़ के अपने जुलूस का प्रदर्शन कर रही है, उनको मज़ा आता है, वैसे भी क्या चीज़ है, वो तो बोर्न लेडी है ना, सड़क पे ही जन्म हुआ उनकी लीडरशिप का, तो ढंझा लेके रोज़ चलते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, फोटो खींचते हैं, अखबार में आता है, नारा लगता है, उनके वोट पकते हैं, तो उसका केस डिफरेंट है ममता का। सर मेरा सवाल भी NRC से ही जुड़ा हुआ है, NRC के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वो प्रदर्शन हमने राजस्थान में भी देखा, UP में देखा, दिल्ली में, देश के अलग अलग हिस्सों में देखा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगी? ये एक लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, बम्बई में घटना हुई लेकिन फॉर्चुनेटली लोग आमने सामने नहीं हुए, 4 किलोमीटर का डिफरेंस था, और अच्छी बात है कि देश के किसी दूसरे राज्य में दूसरे हिस्से में घटना की पुनरावृत्ति रिपीटेशन नहीं हुआ, तो लेट्स होप कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन होगा, ठीक है ना, तो सारा पर्पज डिफीट हो जाएगा। देश में कोई भी कानून तभी सफल माना जाता है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन पीसफुल हो जाए, अगर किसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन में लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, गोली चल जाए, बड़े पैमाने पे ऐसा हो जाए, तो लॉ बेकार है, वो लॉ इज़ ए फेलियर, वो फिर लॉ नहीं है, पार्टी खुद ही विड्रॉ करती है फिर उसको, नहीं है ये। अभी ये लॉ इस उम्मीद के साथ लाया गया है कि देश की जनता उसको स्वीकार कर लेगी, और वैसे बहुमत उनके साथ है इन वे, तो इसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं, तो लेट्स होप कि ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा नहीं हो। सर मेरा सवाल ये है कि क्या NRC RSS के हिंदू राष्ट्र स्वप्न की पहली कड़ी है? ऑफ कोर्स, निश्चित तौर पे पहली कड़ी है। आज जैसे मैंने कहा ना कि एक मतलब जिसे कहना चाहिए कि हिंदुओं में एक अद्भुत अलग किस्म का एक जोश मैं देखता हूँ, अरे तुम्हें क्या मिल रहा है इससे, कुछ नहीं, एवं ही खुश हो रहे हैं बस कि ठीक है भाई, तो वैसे पहली कड़ी है हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र का जो नारा था उसमें पहला एक झोंका हवा का आता है, जैसे एक झपकी आती है, बस वो आ गई है लोगों में, देखते हैं अरे हाँ हाँ ऐसा हो रहा है बड़ा, अरे क्या हो रहा है, आपके पड़ोस में मुसलमान रहता है, मैंने पूछा एक आदमी से यहाँ रहता है अभी, तेरे घर से कितना दूर रहता है, 1 किलोमीटर, तेरे घर पे कभी आया दंगा लेके, तलवार लेके, चक्कू लेके, फरसा लेके, नहीं आया साहब, तो भी तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हो, तो स्टेट ऑफ माइंड है ये, तो इसीलिए वो उनका ठीक है हिंदू राष्ट्र की पहली कड़ी है ये, तो इसी में खुश रही कुछ साल, इन वे फिर वोट आएंगे फिर देखा जाएगा जो जैसे होगा, इन वे जो है ग्राउंड पर कोई चेंज नहीं होने वाला ज़्यादा कुछ।
सर, बात अब CDS की कर लेते हैं, क्योंकि सरकार ने CDS का जो पद है वो सृजित किया है डिफेंस के लिए, और सर CDS बन भी गए हैं जनरल विपिन रावत। सर, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं और इसके क्या कोई राजनीतिक मायने भी हैं? देखिए, राजनीतिक मायने तो इतना से हैं कि भारत में अभी तक आर्मी जो है शासन का जो एक केंद्रीय संगठन होता है, ब्रॉडली रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रॉडली इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग फेयर एंड इंडिपेंडेंट इन योर एरिया ऑफ ऑपरेशन, स्टिल एक रिपोर्टिंग होता है डायरेक्ट, वो नहीं था आर्मी में। इसके बनने से क्या हुआ है कि एक रिपोर्टिंग उस तरह का केंद्रीय संगठन का शासन का पार्ट हो गया है, ठीक है। अब बनने में क्या है, हमने 3 दिन पहले ही कह दिया था, इस पर दिमाग मत लगाइए कि कौन बने कौन नहीं बनेगा, ये पद ही उनके लिए क्रिएट हुआ है। क्रिएट तो 20 साल से चल रहा है ये कागजों में, लेकिन आज जो क्रिएट हुआ है कैबिनेट ने पास किया है वो जनरल रावत के लिए क्रिएट हुआ है। उनकी जो सेवाएं हैं, उनका योगदान है, पुलवामा में है, बालटोक में है, औरों में है, इन वे, और दूसरा क्या, ही फ्रेंडली विद द रूलिंग सेटअप। और आर्मी चीफ अगर फ्रेंडली है इसके साथ में तो कोई बुराई नहीं है इन वे जो है। अब ये बात अलग है, किसी देश में अगर तख्ता बदलने की संभावनाएँ हों तो वहाँ ऐसा पावरफुल पद क्रिएट नहीं करना चाहिए, पर भारत में ऐसे दूर दूर तक तो कोई संभावना नहीं है, इसलिए पद क्रिएट हुआ है। 65 साल की उम्र है, 3 साल का टेन्योर है, मकान भी उनका वही रहेगा दिल्ली में जहाँ रह रहे हैं। वो क्या है कि द सिंगल मिलिट्री एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, पहले डिफेंस सेक्रेटरी होते थे, तो एक सिंगल वॉइस आर्मी में हो गई है। आर्मी के जितने मैटर हैं आर्मी वाले इसलिए खुश हैं, उनकी से हो गई है, बजट में उनका रोल रहेगा, हथियारों के खरीद में इनका रोल रहेगा, आर्मी का रोल बढ़ जाएगा, वरना पहले काम प्रशासनिक होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता सरकार भी इसलिए खुश है कि कंफर्ट लेवल है जनरल के साथ नरेंद्र मोदी सरकार का। और वैसे भी क्या है, नरेंद्र मोदी को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मेंटली ही ऑलरेडी टेकन ओवर एज आर्मी चीफ ऑफ दिस कंट्री फॉर क्वाइट लॉन्ग बैक। जो है एक मैंने देखा था ऑपरेशन मामियार का था, कहाँ का था, तो मैंने उनका पढ़ा था कि उन्होंने कहा मैं रात भर जागता रहा, मैं देखता रहा कि मेरे सैनिक वापस आ गए कि नहीं आ गए। वो एक जनरल की भाषा थी, आर्मी चीफ की भाषा थी, प्रधानमंत्री पॉलिटिकल की भाषा नहीं थी। इन्हें उनका इतना कंसर्न है, और क्यों कंसर्न है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन अमंग इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस, ये मान के चलिए। और आर्मी भी उसी को सलाम करती जिसको जनता चाहती है, एक्सेप्टेबिलिटी होती है जिसकी, किसी देश में भी जो है। आर्मी पाकिस्तान में तब पलटती है राष्ट्रपति जब वो लोकप्रियता खो चुका होता है इन्हें वे। तो यहाँ पे क्या है कि नरेंद्र मोदी पावर में है, इंडिया गेट फंक्शन हुआ था, लोगों ने कहा हम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, अभी क्या फ़र्क पड़ता है। जब आर्मी ने स्वीकार कर लिया उसको अपना नेतृत्व एक नागरिक के नाते, उसके नाते तो ठीक है ये, तो ये जो नया पद आया सबको सूट करता है। इन्हें वे जो है आर्मी भी खुश है, रूलिंग सेटअप भी खुश है, और एक अच्छा रिफॉर्म है, दैट्स ऑल। सर, मेरा सवाल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर है। जिस तरीके से परिणाम आए हैं, तीनों में कुछ वक्त पहले तक बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, महाराष्ट्र चला गया, झारखंड चला गया, हरियाणा में अलायंस के साथ सरकार बनी हुई है। क्या वाकई में आम आदमी के बीच में एक धारणा बनी है कि मोदी और शाह का जो मैजिक है वो धीरे धीरे कम हो रहा है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, चुनावों के आंकड़े तो यही कहते हैं कि दोनों जो आज नेशनल हीरोज़ की कैटेगरी में मानता हूँ मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, उनका जो प्रभाव है इन चुनावों के परिणामों से साफ दिखता है कि वो थोड़ा घटा है, ग्राफ डिक्लाइन है। हालांकि इसका एक दूसरा बड़ा कारण हार का वहाँ है कि अलायंसेस जो थे बीजेपी प्रॉपर नहीं कर पाई, ऑन द कॉन्ट्रेरी अहमद पटेल ने कांग्रेस की ओर से वो अलायंसेस वहाँ अच्छे किए। तो गिरती पॉपुलरिटी वन, दूसरा कांग्रेस के बेटर अलायंसेस, तीसरा इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है, चौथा वहाँ के लोकल मुद्दे, और पांचवा क्या है कि लोकल लीडर्स जिनकी उपेक्षा हुई थी 5 सालों में उन राज्यों में, उनका एकजुट हो जाना एक तरह से, तो एक कारण रहे कुल मिला के बीजेपी के इस गिरते हुए ग्राफ के, जिसका श्रेय और ऐश्रेय मोदी शाह को जाता है ऑब्वियसली बिकॉज दे आर द लीडर्स, लेकिन इट इज़ ए पैकेज ऑफ 5 रीजन्स, नॉट ओनली वन दैट देयर पॉपुलरिटी इज़ कमिंग डाउन, ए पैकेज ऑफ दिस 5 रीजन्स, वन इज़ दिस। दूसरा, आप जो कह रहे हैं ये सही है कि इन टोटेलिटी इसका परिणाम ये हुआ है चुनाव हारने का, कि बीजेपी 218 में जो है 20 राज्यों में थी, 70% ज्योग्राफिकल एरिया में उसका रूल था, ठीक है, आज वो 15 राज्यों में है, 50% एरिया पे कंट्रोल कर रही है। और आप यूँ मानिए कि अगर मैं जयपुर से ट्रेवल करूँ कलकत्ता, तो रास्ते में एक भी बीजेपी रूल्ड स्टेट को कवर किए बिना मैं कलकत्ता पहुँच सकता हूँ। इन्हें वे बातें कहने का जो तात्पर्य है, तो चुनौती है। इसका दूसरा पहलू है कि इतनी चिंता इस गिरते हुए ग्राफ की क्या चिंता है सचमुच शाह या मोदी को, इसका उत्तर है नो। थोड़ी सी चिंता है आर्थिक उसको लेके, स्लो डाउन को लेके,
पॉलिटिकली वो सोचते हैं देश में जो बहुमत है उसके पास हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है, हम NRC लाएंगे, कल को POK लाएंगे, न जाने क्या क्या लाएंगे, दिल्ली का वोट हमेशा हमें मिलने वाला है, दे आर कन्विंस्ड। और अब उन्होंने अपना ध्यान राज्यों से हटा लिया है, इन वे 5-7 राज्य चले जाएँ चले जाओ, कोई इशू नहीं, उनके टोटल गणित में फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो भारत सरकार की उस सत्ता पर केंद्रित रहना चाहते हैं जहाँ एक तो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ अपना स्कोर सेटल कर सकें पॉलिटिकली, ठीक है ना, और दूसरा उसमें क्या है कि जो बड़ा उनका मेन एजेंडा घोषणा पत्र है, जैसे आपका कश्मीर का था, NRC का है, पॉपुलेशन रजिस्टर का है, कुछ और है, POK का है, वो मुद्दे वो भारत सरकार की कुर्सी पर बैठ के ही जीत सकते हैं, वहीं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राज्यों में अगर वो आज केंद्र में नहीं है और 20 राज्यों में है, कोई मतलब नहीं इसका। तो देयर फोकस इज ऑन दिल्ली, नॉट ऑन द स्टेट कैपिटल्स इन ए वे। लेकिन कुल मिला के आई कैन कंक्लूड कि ग्राफ गिरा है, लेकिन हार का कारण केवल गिरता ग्राफ नहीं है, दूसरे कई कारण भी हैं। बिल्कुल। और सर, इन तीन अहम राज्यों से जुड़े कुछ और भी अहम सवाल है, इसके जवाब आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हमारे इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जगदीश जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात भी तीन राज्यों की कर रहे थे, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। क्या आप भी मानते हैं कि इन तीनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के कोई भी टॉप लीडर्स का खास प्रभाव देखने को नहीं मिला, और यही वजह कि मतदाताओं ने राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रवाद के बजाय यहाँ स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा तरजीह दी? यू आर राइट। जहाँ तक BJP की बात है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को उतनी सफलता नहीं मिली, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अलायंसेस, जितनी अपेक्षा की जा रही थी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। तो ये सही है कि भाजपा की टॉप लीडरशिप का उतना इम्पैक्ट इन चुनाव में दिखाई नहीं दिया जिसकी उम्मीद भाजपा के वर्कर्स कर रहे थे। अब आइए कांग्रेस पे जी। तो कांग्रेस की भी ये स्थिति है, ये पहला चुनाव था महाराष्ट्र, हरियाणा और अब आप झारखंड भी कह सकती हैं जो बिना गांधी परिवार के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के लड़े गए, ये पहले चुनाव थे। और सरप्राइजिंगली कहो या मे बी कोइंसिडेंस कि इनमें परिणाम अच्छे आए, तो बहुत चौंकाने वाली बात थी कांग्रेस में कि क्या गांधी परिवार की कोई रेलेवेंस या आवश्यकता है आने वाले कल में, खासकर उस समय जबकि राहुल गांधी टेक ओवर करते हैं और कांग्रेस त्याग वर्ग इस बात से नाराज रहता है कि भाई राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी में वो टिक नहीं पाएंगे, और चूंकि उनके ज्वाइन करते इक्वेशन अपने आप कन्वर्ट हो जाती है मोदी वर्सेस राहुल गांधी में, तो इससे हम क्या करेंगे। तो ये बिल्कुल सच है कि इस चुनाव में दोनों ही पार्टी के जो आला कमान हैं उनका रोल कंपैरेटिवली कम रहा। इन तीनों राज्यों में जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, खास करके BJP का पुअर परफॉर्मेंस रहा है, इसके लिए क्या लगता है आपको कि जो आर्थिक मंदी है या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो भी एक बड़ी वजह रहा है? इससे पहले मैं जो श्वेता ने सवाल पूछा था कांग्रेस के आला कमान के रेलेवेंस का, एक टुकड़ा मेरे दिमाग में आया है उसमें रहा कि जब ये सब बात हो रही थी चुनाव की तो सोनिया गांधी के स्तर पे बाकायदा इस पर विचार विमर्श हुआ था कि लोकल लीडर्स पे इन मुद्दों को छोड़ दिया जाए मुद्दों को, या कि यहाँ से भेजे जाएं। तो एक कंसिडर्ड व्यू भी बना था इसके साथ साथ में, उनका प्रभाव कम होने का तो एक पहलू है कि चुनाव उनके बिना लड़ा गया, लेकिन इनका भी एक वेल थॉट भी था कि इस बार लोकल लीडरशिप को चांस देते हैं। इसीलिए क्या हुआ, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय इस बार झारखंड में रीजनल मुद्दों को प्राथमिकता मिली। राष्ट्रीय मुद्दे थे 370 के आपके NRC के, इस मुद्दों को जाए वहाँ जो नारा लगाया गया जल जंगल और ज़मीन, वो नारा हिट हुआ वहाँ पे और लोकल मुद्दे हावी रहे वहाँ पे। तो मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूँ कि दोनों पार्टियों के आला कमान की रेलेवेंस और कॉन्ट्रीब्यूशन कम होने के साथ साथ जो रीजनल पार्टियों के मुद्दे थे उन्होंने नेशनल मुद्दों के ऊपर डोमिनेट किया अपने आप को। सवाल मेरा यही था कि जिस प्रकार से आर्थिक मंदी, क्योंकि हम लगातार इसको भी देख रहे हैं कि जो तमाम पार्टियां हैं वो इसके बारे में बात जरूर करती हैं कि आर्थिक मंदी और इकोनॉमिक स्लोडाउन, लेकिन जो बड़े नेता हैं BJP के खास करके वो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो क्या ये एक बड़ी वजह रही है इन तीनों राज्यों में जिस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला है BJP का? देखिए, वजह तो दो रही हैं बेसिकली। एक तो अहमद पटेल की होशियारी से कांग्रेस ने अलायंस बनाया JMM के साथ, राहुल गांधी बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन चूंकि राहुल फेस पे सबके सामने अभी डोमिनेंस में नहीं है, हालांकि पार्टी वही चला रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे चला रहे हैं, बैकरूम बॉय की तरह चला रहे हैं। तो पर्दे के सामने अहमद पटेल और ये सब लोग थे, सोनिया गांधी थे, तो इन्होंने JMM को माना और अलायंस करवाया, उधर से BJP का अलायंस टूटा,
एक पार्टी के साथ लोकल के साथ, तो उसका फायदा इनको यहाँ पे मिला। सेकंड पार्ट क्या पूछा आपने? कि जिस प्रकार से आर्थिक मंदी एक वजह जरूर रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह रही है इन तीनों राज्यों में जिस प्रकार का प्रदर्शन बीजेपी का खास करके देखने को मिला है। हरियाणा में भी कहीं भी एक तरीके से नहीं आ पाई जिस प्रकार से हम देख रहे थे पिछले कुछ राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, वो आर्थिक मंदी एक बड़ी वजह रही है। इसे मेरा मानना रहा है कि एक वजह जरूर रही है, बड़ी है कि नहीं ये नहीं कह सकता। बिटवीन द अलायंसेस एंड आर्थिक मंदी का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसका, वो क्या कारण रहा है। और दूसरा एक पहलू इसका ये भी है कि आर्थिक मंदी में लोगों ने मन को समझा लिया है कि वैसे जिएंगे यार, बाजार में पैसा नहीं है, मंदी नहीं है, ऐसे ही करो। वो एक एक अनसीन इनविजिबल अच्छे दिनों के इंतज़ार में कि पता नहीं कब आएंगे, मन को उन्होंने रिकनसाइल कर लिया अपने आप को। तो आर्थिक मंदी एक फैक्टर है, लेकिन क्या सचमुच बड़ा फैक्टर है इस पर अभी नहीं कहा जा सकता। आर्थिक मंदी की हम बात कर रहे हैं सर, बीजेपी के खाते में बहुत बड़े बड़े फैसले गए, बड़ी सफलताएं नाम है बीजेपी के, इन सालों के दरमियान कई फैसले लिए, वो NRC का मुद्दा हो, नागरिकता संशोधन कानून का मसला हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, या फिर आर्टिकल 370 का हो। लेकिन सर इसके बावजूद भी आर्थिक मोर्चे पर विफल साबित हुई मोदी सरकार, और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आर्थिक मंदी से कितने सालों में देश उभर पाएगा, और साथ ही जो GST का फैसला था, नोटबंदी का फैसला था, वो अब जाके गलत साबित हुआ है बीजेपी का? देखिए दो सवाल हैं, पहला सवाल पहले लेता हूं मैं कि क्या GST नोटबंदी का फैसला गलत साबित हुआ है। अधिकांश लोगों का मानना ऐसा है, और वो क्यों है, उनका मानना ये है कि काले धन को ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अभिनव प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात है उसमें, लेकिन इसका आकलन क्या होगा शायद इसका अनुमान नहीं रहा होगा। तो देश में क्या है, अब लोग ये मानते हैं कि दो पैरेलल इकॉनमी इस देश में चलती थी, एक नंबर की इकॉनमी, दो नंबर की इकॉनमी, जिसे हम ब्लैक मनी इकॉनमी कहते हैं, और पैरेलल थी दोनों। अब एक इकॉनमी लगभग 80% बंद हो गई है, काट दी गई है, ब्लैक मनी वाली, कैश वाली, ब्लैक मनी की बजाय कैश इकॉनमी ज़्यादा ठीक होगा मेरा कहना, काट दी गई है। तो दूसरे शब्दों में यूँ कहें, आलोचकों का यह कहना है कि अर्थव्यवस्था के दो बाजू थे तो एक बाजू काट दिया गया है, तो अर्थव्यवस्था एक बाजू के साथ चल रही है इसीलिए उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। ये तो हुआ कारण कि नोटबंदी GST के कारण ऐसा है या दूसरे कारणों से ऐसा है, लेकिन सच ये है कि स्लो डाउन है, मंदी है, लोग दबी जबान में, खुद वित्त मंत्री भी स्वीकार करती हैं, इसलिए एक के बाद एक बड़े राहत पैकेज भी दिए जा रहे हैं। इसका हल कैसे निकले और बिना गो बैक किए हुए, बिना पीछे हटे हुए इसका हल कैसे निकले, सरकार खुद सोच रही है। अब सरकार थोड़ा फ्री हुई है इलेक्शनों से, इन सब से जो है, तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार का सारा फोकस अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे रहना चाहिए। सर, इसी से जुड़ता हुआ मेरा सवाल एक और है सर, क्या जो अभी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हवा बनाया गया या फिर NRC को लेकर तमाम बातें की गई, वो बीजेपी ने कोशिश की कि आर्थिक मंदी से ध्यान भटकाया जाए, ध्यान हटाया जाए, या फिर ये कोशिश थी? ये उसके ऐसा कोशिश की जरूरत नहीं थी, इसलिए जरूरत नहीं थी कि आर्थिक मंदी तो लोगों ने स्वीकार कर लिया है, हालांकि सरकार के सारे पैरामीटर्स डाउन हो गए, इंटरनेशनल पैरामीटर्स होते हैं जो आपके GDP होती है, आपके रेट होती है, फिर एजेंसी रेटिंग करती हैं, मूडी रेटिंग करती है, एक पूरा का पूरा वो माया जाल है रेटिंग्स का, जो शायद हमें बाहर से लोन लेने में, FDI को अट्रैक्ट करने में सहायता देता है। इनवे आम आदमी के लिए उसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि GDF कितना है, 2% है कि 10% है, कोई खास उसकी रेलेवेंस नहीं है। वो सारे पैरामीटर्स जो थे डेवलपमेंट के जो माने जाते थे, उन सब में सरकार पिटी, हमारा आर्थिक डेवलपमेंट पिटा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिटा, सेल्स सेक्टर पिटा, कंज्यूमर सेक्टर पिटा, इन्हें वे जो है, तो वो तो सरकार ने उसको मान लिया। अब आपने कहा कि इसका दूसरा क्या पूछा आपने अभी? हाँ नहीं, वो मुझे नहीं लगता ध्यान भटकाने की, वो तो अपने एजेंडा में इतने मगन हैं बीजेपी वाले, यूँ कहिए हिंदू राष्ट्र के एजेंडा में, 370 के एजेंडा में, NRC के एजेंडा में, कि ध्यान भटकाना छोटी बात है और उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2-4 राज्य हार भी जाएंगे उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनका तो एक ही टारगेट है भारत सरकार जहाँ बैठ के हमको फैसले करने हैं, नीतिगत फैसले करने हैं, अपने जो एजेंडा है पार्टी का वो लागू करवाना है, अपने मन में जो चीज उसको पूरा करना है पैशन को, तो वो उसमें लगे हुए, तो ध्यान भटकाने की कोई कोशिश की है उन्होंने ऐसा कोई खास नहीं। सर आपने कहा 2-4 राज्य हार भी जाएंगे, तो 2014 आया मोदी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जैसे बाहर आ गई राज्यों में, एक के बाद एक सरकार बनाती गई राज्यों में, अब हरियाणा में चुनाव जीता गया और एक नया चेहरा आउट ऑफ द ब्लू मनोहर लाल खट्टर आए, खट्टर लगातार 5 साल किसी न किसी मुद्दे पर स्ट्रगल करते रहे, फिर एक नया चेहरा महाराष्ट्र में आया, वो मोर और लेस ठीक थे लेकिन अब परिणाम सामने हैं, और रघुबर दास ये माना जाता है, और जब हम गए भी झारखंड में तो वहाँ देखा कि बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर था लेकिन आदिवासी एंटी चेहरा रघुबर दास को मान लिया और वो भी
क्लीन बोल्ड हो गए, तो आपको लगता है कि जो नए प्रयोग थे ऊपर से चाहे आरएसएस के कहें या बीजेपी के कहें वो फेल हो गए, और ऐसे में अब जो पुराने चेहरे थे जो क्षेत्रीय शत्रु जिसमें वसुंधरा राजे का नाम है, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वो क्या मुख्यधारा में वापस आने आ सकते हैं? और इसके साथ ही बिहार की कितनी बड़ी चिंता होगी? दिल्ली तो जाहिर तौर पे है, पर अमित शाह की चिंता बिहार को लेकर कितनी बड़ी होगी? देखिए आपके तीन क्वेश्चन हैं, मैं पहले क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा जिसमें आपने कहा कि जो केंद्र से भेजे गए या आलोचकों की भाषा में थोपे हुए चेहरे थे राज्यों में, हरियाणा में, झारखंड में, बिल्कुल, और तीसरा क्या बताया आपने, तीसरा राज्य महाराष्ट्र में जो भेजे हुए चेहरे थे या थोपे गए चेहरे थे, क्या उनकी विफलता है? तो निश्चित तौर पे जिसे कहते हैं कि भाई नथिंग सक्सीड्स सक्सेस इन ए वे, तो चूँकि विफल रहे हैं तो आज ये कह सकते हैं कि ये प्रयोग विफल रहा मुख्यमंत्री यहाँ से भेजने का। एक दूसरा कारण ये रहा कि इन लोगों ने परफॉर्म भी नहीं किया, दे इक्वली डिसअपॉइंटेड द पार्टी हाईकमांड नरेंद्र मोदी अमित शाह ऑल ऑफ देम, जस्ट टेक अप द केस ऑफ खट्टर, हरियाणा वाले जो हैं, अब उनका प्रशासन पे पकड़ उनकी जीरो थी। एक मैगजीन ने लिखा था ही इज द वर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ऐसा भी लिखा था। लेकिन फिर लादा क्यों जा रहा है? हाँ, बस ये जान। तो हटने की नौबत आ गई थी उनकी, एक बार अमित शाह से मिले, एक बार फिर जीवनदान मिला, आरएसएस ने कहा रखो भी कुछ दिन अभी वरना हमारा प्रयोग फेल हो जाएगा। तो वहाँ उन्होंने क्या है कि नॉन जाट का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और वो नॉन जाट जो नॉन परफॉर्मर निकला तो हार गए चुनाव। अब सेकंड आ जाइए आप इस पे महाराष्ट्र पे, तो जो खांटी मराठा होते हैं उसकी बजाय उन्होंने एक मॉडरेट मराठा ब्राह्मण को एक चांस उस तरह का दिया, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। उसकी ट्रेजेडी थी कि बेसिक पार्टनर ही छोड़ के चला गया, बैसाखी चली गई तो सरकार नहीं बना पाए इन्हें वे जो है। और तीसरा क्या है, आप जो रघुवर दास की बात कर रहे हैं उसका यह रहा कि उसका एंटी इनकमेंसी फैक्टर उसके हार का एक मुख्य कारण रहा वहाँ पे अलायंसेस के अलावा जो है, इसीलिए उसने खुद ही स्मार्ट रोल प्ले किया और ये हारते ही कहा कि ये भाजपा की हार नहीं है, ये मेरी हार है इन ए वे, ठीक है, वो शहीद किया उसने अपने आप को, लेकिन वास्तव में ये उसकी हार ज़्यादा थी। फिर क्या वहाँ के आदिवासी वोट, वहाँ 64 आदिवासी ग्रुप हैं झारखंड में आपके, 28 सीटें हैं एक पर्टिकुलर बेल्ट में, 2 सीटें बीजेपी को मिली हैं कुल मिला के जो है। और फिर तीसरा क्या है कुल मिला के कि झारखंड में ये जो अलायंसेस बने जो मैंने आपसे पहले भी कहा जो है, तो ये हुआ सारा वहाँ पे, नेशनल के बजाय रीजनल मुद्दे हावी हो गए। तो ये सही है बात कि ये जो केंद्र की अमित शाह की नरेंद्र मोदी की जो एक नीति थी या एक्सपेरिमेंट था राज्यों में नए चेहरे भेजने का, अपनी पसंद के चेहरे भेजने का, लोकल डोमिनेंस को इग्नोर करते हुए, उसको धक्का तो लगा है, लेकिन ये लोग उस पर कितना उसको स्वीकार करते हैं, कितना अपने को अमेंड करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सवाल, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ कहा, सवाल ये है कि अब जो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को क्या मुख्यधारा में लाया जाएगा? और इससे बड़ी बात, क्या वसुंधरा राजे एरा खत्म हुआ या अभी वो बाकी है? देखिए वसुंधरा राजे की प्रायोरिटी दो के ऊपर मैं आपकी जान सकता हूँ, राजस्थान से हैं जो है, सो शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह वसुंधरा राजे एक ही श्रेणी के नेता हैं इन ए वे, किसी पर आरोप थोड़े कम है किसी पर ज़्यादा हैं थोड़ा इन ए वे जो है। अब जैसे वहाँ व्यापम कांड हो गया था तो राजस्थान में इस तरह का कोई कांड नहीं है, रमन सिंह का ऐसा उस तरह का कोई इशू नहीं है। तो इन तीनों के बारे में क्या है कि ये जिसे कहना चाहिए कि बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, इनका भविष्य वहीं है, अभी ये आलाकमान की नज़र से उतरे हुए हैं इन्हें वे, इनको एक तरह से थोड़ा साइड लाइन किया हुआ है, ठीक है, और ये लोग इतने बड़े हैं अपने अपने राज्यों में, इनका जीवन इतना अच्छा चल रहा है, ये लोग साइड लाइन होकर भी ज़्यादा दुखी नहीं है, हर एक को करने को काम है। और शिवराज सिंह वगैरह तो क्या फिर भी थोड़ा बहुत केंद्र उनको संभालता रहता है, यहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया, ठीक है, वसुंधरा राजे थोड़ा कम अपने एजेंडा में रहती हैं। तो आने वाला वक्त क्या करेगा ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ठीक है, लेकिन क्या उतना फेल हो गया कि जिन लोगों को एक बार ये सोच के किनारे बैठाया गया था, साइड लाइन किया गया था, वापस उनको लौटाया जाए, ये डिपेंड करेगा 2023 में जब चुनाव होंगे उस समय अमित शाह नरेंद्र मोदी का प्रभाव कितना है, क्या उनके एक उनका मनोनीत कैंडिडेट क्या चुनाव जिता ले जाएगा या इनकी आवश्यकता रहेगी। और उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, यूनियन कैबिनेट में इनको लिया जा सकता है, तीनों को, तीनों में से किसी एक को, दो को अथवा तीनों को। आलाकमान के सामने कोई बेसिक सरदर्द नहीं है क्योंकि तीनों चीफ मिनिस्टर मैच्योर हैं, सीजन हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज़ टू बी सीन। नीतीश कुमार के साथ खट्टे मीठे पल चलते रहते हैं और अभी वो कैबिनेट में भी शामिल नहीं हुए थे क्योंकि नंबरों की गड़बड़ थी, तो ऐसे में अब बिहार कितना महत्वपूर्ण है अमित शाह के लिए? ये डिपेंड करेगा नीतीश कुमार के मूड पे, क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने की स्थिति में अभी तो नहीं लगती है, क्योंकि इन राज्यों में जो कुछ हुआ, जहाँ जहाँ अलायंस टूटा बीजेपी का वहाँ हार मिली,
सीटें कम आई, तो नीतीश कुमार से अलायंस तो नहीं तोड़ सकते। अमित शाह का मन तो करता होगा कि जिसे कहते हैं अपन माई फुट या ऐसी की तैसी चलती भाषा में, वो कुछ भी कर गुजरें, लेकिन ग्राउंड रिलेटिव्स उनको कंपेल करती होंगी। फिर नरेंद्र भाई भी कहते होंगे यार थोड़ा धीमे चलो, वरना वो तो अकेले सबको लड़ लें और जो होगा परिणाम देख लेंगे उसको जो है। तो नीतीश कुमार के बिना आप चल नहीं सकते। और नीतीश कुमार का क्या है कि जो पैरामीटर होता है अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने का, वो देश का सबसे अच्छा पैरामीटर जो है बैरोमीटर उनके पास है, वो असेस करते रहते हैं, अपना रोल भी बदलते रहते हैं। उनका एक ही टारगेट है, मुझे मुख्यमंत्री बने रहना है और कहने को बिहार की जनता की सेवा के नाम पर बने रहना है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, नीतीश कुमार कहाँ बैठेंगे, ये अमित शाह नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ दिल्ली में है देश में उस पर डिपेंड करेगा। ये ग्राफ अच्छा होगा तो वो साथ खड़े हो जाएंगे वापस आ करके, अच्छा नहीं होगा तो कहीं भी जा सकते हैं वो। सर मेरा सवाल ये है, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की पावरफुल वापसी को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या केंद्र की राजनीति में भी उनका कोई भविष्य है? देखिए उम्र के इस मोड़ पर ही इज 80+ आई थिंक, तो उनकी इस तरह का जो सम्मान लौटा है महाराष्ट्र में, उनकी होमलैंड में, होम टाउन में, एक सबके लिए खुशी की बात है देश में अक्रॉस द पार्टी लाइन के। पुराने आदमी एक रिगार्ड है उसके प्रति मन में सबके जो है, वो सम्मान लौटा, सरकार बनवाई उन्होंने और किस तरह से उन्होंने सब सिस्टम भाजपा का जो मैकेनिज्म था उसको फेल किया तो किया उन्होंने। और वहाँ भी एक खास बात उन्होंने ये रखी, एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। मैंने सुना अभी दिल्ली में कि सोनिया गांधी से मिलने आए, वो उसमें जो अलायंसेज हो रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा मैडम आपको बुरा तो लगेगा लेकिन एक बात कहूँगा। तो मैडम ने कहा कहिए। ये याद रखिए कि 20 साल पहले शरद पवार ऐन वक्त पे पार्टी को छोड़ के चले गए थे, पार्टी को मझधार में छोड़ के सोनिया गांधी को, तो उनके मन में पता है कि सोनिया गांधी कैसी हैं, वो भी जानती हैं पवार कैसे हैं। तो फिर भी उन्होंने कहा कि मैडम इजाज़त दो तो कौन उनका कहिए। तो कहा मैडम आप प्रचार में नहीं आए तो ठीक है, हम लोकल लेवल पे करें इसको। उनका ठीक है, शी इज़ ए लिबरल लेडी। तो कहा कि लेकिन वो राहुल जी को ही मत भेजना। तो उन्होंने कहा वो तो अपनी मर्जी का मालिक है लेकिन मैं देखती हूँ जो है, हैं। तो उन्होंने राहुल से कहा, वो जैसे बच्चे हैं आजकल, चाहे वो 37 साल के हो जाएँ चाहे 54 साल के हो जाएँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और फिर दो जगह चले गए इन्हें वे जो है। तो इस घटना का जिक्र मैं शरद पवार की उस से करना चाहता हूँ कि शरद पवार ने ये चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पर लड़ा, स्थानीय इक्वेशन से लड़ा, और बरसात में भीग गए थे एक दिन, वो कई घटनाएं पे करती हैं और प्रचार किया। महाराष्ट्र के लोगों ने भी सोचा कि एक जीवन के अंतिम चरण में यार इसकी इज्जत रख लो थोड़ा सा। फिर ईडीवीडी का कुछ नाटक हो गया था वहाँ पे जो है, बाद में ईडी को बैक ट्रैक करना पड़ा। तो एक सहानुभूति फैक्टर उसके फेवर में खड़ा हो गया था, तो एमरजेंस हुआ उसका हो गया। जहाँ तक रही बात केंद्र की, तो केंद्र में उनकी एक संभावना बनी थी जब गांधी परिवार के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना जब चुनाव महाराष्ट्र वगैरह में लोग जीते थे, तो कांग्रेस से कुछ लोगों ने संपर्क किया था शरद पवार से, अगर हम आपकी तरफ आ जाएं बड़ी संख्या में तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा मुझे लगता नहीं है, मैं तो जीवन के इस मोड़ पे हूँ। फिर कांग्रेस में सब जानते हैं कि गांधी परिवार से हटके कोई गया नहीं, गया तो डूब गया है वो, इसलिए बात बनी नहीं आगे। तो केंद्र की राजनीति में शरद पवार का कोई ज़्यादा अभी तो ऐसा विजिबल रोल नहीं दिखाई देता है। महाराष्ट्र में उनके सह समान वापसी हुई है। सर इसी से जुड़ा अगला सवाल है, क्योंकि आपने सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच की मुलाकात का जिक्र किया, अभी महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ही अलग अलग विचारों की पार्टियां हैं, मतभेद विचारों में बहुत ज़्यादा है। तो पहला सवाल तो यही कि महाराष्ट्र में जो 5 साल के लिए सरकार बनी है, आपको लग रहा है कि वो स्थायी सरकार है? और दूसरा सवाल शिवसेना को लेकर खड़ा होता है, क्योंकि देश के अंदर हिंदुत्व आरएसएस का नारा, बीजेपी उसी दिशा में बढ़ रही है, शिवसेना उसका एक हिस्सा थी। अब शिवसेना आपको लगता है कि इसी गठबंधन में रहेगी या फिर वापस बीजेपी में वापसी हो सकती है? दो सवाल हैं आपके, गठबंधन सरकार का भविष्य और इसके बाद स्वाभाविक सवाल है शिवसेना की भाजपा में वापसी। तो गठबंधन जितने भी संसार में हुए सबका कोई बहुत स्थायी तो नहीं रहा, एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं। अब कोई चमत्कार हो जाए तो ये गठबंधन चल सकता है 2-4-5 साल। बाकी जहाँ तक व्यक्तिगत आकलन है और अधिकांश लोगों का आकलन है कि कुछ लोग इसको 1 साल देते हैं, कुछ लोग 6 महीने देखते हैं। ओनली द मैच्योरिटी ऑफ पीपल लाइक शरद पवार एंड सोनिया गांधी एंड कंपल्शन ऑफ उद्धव ठाकरे, ठीक है, नॉट टू गेट डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये कंपल्शंस हैं इनके, और ये तीन कंपल्शन उनको जिंदा रख सकते हैं इस गठबंधन को। अदरवाइज देखा जाए तो इसमें इन बिल्ट कंट्राडिक्शंस हैं इस गठबंधन के अंदर। और आपने देखा शपथ के नेक्स्ट डे उन्होंने कह दिया हम तो हिंदुत्व का एजेंडा है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। फिर बैकडोर से सपोर्ट कर दिया एनआरसी पे, गायब हो गए हाउस से जाकर के जो है। तो उनका मन कहीं ना कहीं वहीं भटकता है।
आज अमित शाह उनको बुला के रात को ये कह दें अपने घर पे कि ठीक है चीफ मिनिस्टर आपका रहेगा 2.5 साल, इसी पे मान जाएंगे, असेसमेंट है। लेकिन न तो अमित शाह कहेंगे उनको क्यों लेट डाउन होगा बहुत बुरी तरह से ये कहना, और न वो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन जिस दिन उनको लगेगा कि कंट्राडिक्शन से अपने बोझ से सरकार गिरने वाली है तो सरकार को नहीं जाने देंगे, वो वापस लौट के बीजेपी की तरफ ही आएंगे, नेचुरल अलाई नेचुरल अलायंस। वो उस दिन डिपेंड करेगा क्या डील होती है दोनों के बीच में। लेकिन गठबंधन को बहुत लंबा स्थायी नहीं दिखता, अभी देखिए मंत्रिमंडल आज बना है, 32 दिन के बाद मंत्रिमंडल बना है, 35 मंत्री आज लिए हैं, 25 कैबिनेट और 10 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और सबसे बड़ी बात है 2 पावर सेंटर आज ही बन गए हैं सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री और उनके सपुत्र, ठीक है ना, वो भी कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, आदित्य ठाकरे वो भी मंत्री बन गए हैं। तो रिमोट से शासन तो वो चलाएंगे, न कि शरद पवार चलाएंगे या न कि वो कांग्रेस के दूसरे जो लीडर हैं वो चलाएंगे, तो कई इसमें कंट्राडिक्शंस हैं इन ए वे जो है। तो आने वाले समय में मुझे इसकी उम्र ज़्यादा नहीं लगती है फिर। तो सर इसी से जुड़ा है कि क्या आपको लगता है कि शिवसेना ने सत्ता पाकर खुद की छवि को खो दिया है, जो हिंदुत्व की छवि जो उसकी थी? देखिए ये तो चुनाव के वक्त मालूम पड़ेगा इन ए वे। उन्होंने हिंदुत्व की छवि को पूरी तरह नहीं खोया, जैसा कि मैंने आपसे कहा उन्होंने जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जहाँ ये उनका चेहरा सामने आता कि हिंदुत्व हैं या ये सेकुलर हो गए हैं, कथित मुसलमान समर्थक हो गए हैं, उन मुद्दों को स्मार्टली प्ले किया उन्होंने, और शासन में रहते हुए इसी अलायंस में रहते हुए अपनी पसंद हिंदुत्व के प्रति अपनी प्रायोरिटी अभी तक उन्होंने इंटैक्ट रखी है, इसलिए नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन बहुत दूर है, चुनाव 5 साल पड़े हैं, फिर क्या का क्या होगा। बिल्कुल सर, और ये तो भविष्य के गर्त में है कि 5 साल सरकार चला पाएंगे या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह से विपक्षी दलों को यहाँ पर सफलता मिली उसे देखते हुए क्या लगता है आपको कि राष्ट्रीय स्तर पर गैर भाजपाई गठबंधन भी देखने को मिल पाएगा या कभी बन पाएगा? देखिए राजनीति में कोई शत्रु कोई मित्र स्थायी तौर पर नहीं होते, कोई भी गठबंधन बन सकता है। पिछले 5 सालों में कई गठबंधन बने, फेल हुए, सक्सेस हुए, ये गठबंधन कामयाब हो गया आपका, महाराष्ट्र कामयाब हो गया, झारखंड कामयाब हो गया। इससे पहले 2 गठबंधन ऐसे बने थे बिना तालमेल के या बिना सिर पैर के जो है वो फेल हो गए। एक गठबंधन मायावती अखिलेश यादव में हुआ, अद्भुत 25 साल पहले का गेस्ट हाउस केस भूल के मायावती उनके साथ खड़ी हो गई, मुलायम सिंह की पुत्र उदू पाँव छूने चली गई मायावती के, मायावती की चुनावी सभा में मुलायम सिंह आ गए, वाइस वर्षा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन चुनाव बांग टूट गया गठबंधन, क्यों लगा सपा को कि हम तो लूट गए हमारे तो मतलब हाँ वो हो गया, और मायावती जो है 10 सीट ले गई तो टूट गया गठबंधन। दूसरा गठबंधन जो बहुत ही बेमेल हुआ है ये शिवसेना और एनसीपी का, सोचा था कभी किसी ने, कल्पना नहीं की थी कि शिवसेना डिक्लेयर्ड अलायंस तोड़ के चुनाव से पहले का प्री पोल अलायंस तोड़ के वहाँ चली जाएगी, चली गई। अब लेफ्ट का देख लीजिए, कलकत्ता में साथ हैं तो वहाँ केरला में अलग खड़े हो गए जा करके, तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहो कि अगेंस्ट इन फ्रंट ऑफ नरेंद्र मोदी अमित शाह एक बड़ा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर का अगले आम चुनाव से पहले बने, चुनाव के मोड़ पे बने, संभावना कम है। सर महाराष्ट्र से ही जुड़ा सवाल मेरा ये है कि अचानक से रात के अंधेरे के बाद दिन का उजाला निकला तो पता चला कि अजीत पवार फडणवीस के साथ खड़े हुए हैं। उस दौरान सबसे ज़्यादा उस सवाल खड़े हुए वो राष्ट्रपति के परमिशन और उसको लेकर खड़ा हुआ कि राष्ट्रपति भवन से घटनाक्रम क्या कुछ हुआ है। सवाल दो हैं, एक तो ये कि क्या इससे अमित शाह, मोदी और देवेंद्र फडणवीस तीनों की छवि को धक्का लगा है, और दूसरा सवाल ये कि जिसको चाणक्य कहते हैं बीजेपी के अंदर, क्या वो उस पूरे आकलन को समझने में, झूठे जो बहुमत है उसको समझने में कामयाब साबित नहीं हो पाए? आपका आखिरी टुकड़ा इसको पहले उठाऊंगा मैं, अमित शाह आमतौर पर मात नहीं खाते, खा गए इस बार, इंसान है, क्योंकि आपको अपने हरकारों पर डिपेंड करना पड़ता है, अपने सेनापतियों पर डिपेंड करना पड़ता है। उन्होंने फडणवीस पे डिपेंड किया, उसके आकलन पे भरोसा किया, आकलन सही नहीं निकला, प्लान फेल हो गया। फडणवीस ने मुझे पता लगा उनको कहा था कि मैंने इंडस्ट्रियल हाउसेज की मार्फत पूरा मैनेज कर लिया है, मेजोरिटी अपना हो गया है जो है, नहीं हुआ, ताश के पत्तों की तरह गिर गया। और दूसरी तरफ क्या है कि आकलन तो फडणवीस बेस्ड आकलन था ये अमित शाह का, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा फडणवीस पे है। और दूसरा क्या हुआ, इतनी स्मार्टली शरद पवार प्ले करके इकट्ठे हो जाएंगे वो लोग और कर लेंगे, और सारी मांगे शिवसेना उनकी मान लेगी, इसकी उम्मीद कम थी, तो 2 चमत्कार हुए, आकलन का फेल होना और उधर से उनका और मोर स्मार्टली प्ले करना, तो ये तो आकलन की बात रही। धक्का में कोई डाउट नहीं है,
बीजेपी को, सेंट्रल लीडरशिप को, भारत सरकार को, राष्ट्रपति, गवर्नर, सब की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। राष्ट्रपति बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जो गवर्नर कहता है नॉर्मली वो करते हैं। गवर्नर ने एक तरह से रबर स्टैम्प की तरह काम किया, जो ज़्यादातर गवर्नर करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ, हालात ऐसे थे। और राजनीति में कई बार क्या होता है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, तो उन्होंने किया, लेकिन धक्का ये लगा कि वो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। अगर फंड भी सिद्ध कर देते तो खाली स्टिग्मा रह जाता कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कि एक रात ऐसा हुआ था आधी रात को, वो जो फिल्मों में है कि आधी रात को चोर निकलता है क्या है, ठीक है ना, तो एक आधी रात को ऐसा हुआ था, लेकिन वो तो कोलैप्स हो गया जो एक्सपेरिमेंट था। तो निश्चित तौर पे इट हैज़ बॉट ए वेरी बैड नेम टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ एवरीवन, इंक्लूडिंग गवर्नर, प्रेसिडेंट, फंडवीज एंड टू सम एक्सटेंट अमित शाह आल्सो। मेरा सवाल भी कुछ इसी से जुड़ा है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस का क्या भविष्य है? देखिए, उनका भविष्य ठीक ठाक है, उसका कारण यह है कि उनकी इमेज इंटैक्ट है, क्रेडिबिलिटी उनकी उस तरह से इस घटना को छोड़ के इंटैक्ट है, और कोई बड़ा स्कैंडल उनके नाम नहीं है। वो आज भी आलाकमान के चहेते हैं, उनके आकलन के फेल होने के बावजूद अमित शाह ने उनको वहाँ का लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस में बनाया है, और अभी भी उनका जो मैन है, पॉइंट मैन जिसे कहते हैं कि हमारा आदमी कौन है महाराष्ट्र में, वो आज भी फंडवीज है। अभी इकोनॉमिक टाइम्स का फंक्शन हुआ था, उसमें अमित शाह उसको साथ लेके गए थे, पूरी इंडस्ट्री ने, और बम्बई तो इंडस्ट्रीज चलता है ना, उन्होंने नोटिस किया कि यस स्टिल ही कंटिन्यूज टू बी सेंटर्स मैन इन मुंबई इन ए वे। और थोड़ा समय और वो देखेंगे, नहीं तो यूनियन कैबिनेट में ले आएंगे कोई अच्छा सा उनको मंत्रालय दे करके, और फिर जब चुनाव होंगे तो फिर जाएंगे। उनका अल्टीमेट भविष्य फंडवीज का लगता है मुझे, अभी आलाकमान की निगाह में महाराष्ट्र में ही है। टेम्पररली हो सकता है ये लगा उनको, सरकार साल दो साल चल रही है, यूनियन कैबिनेट में ले आएंगे इनको, तो भविष्य अच्छा। सर, सवाल राहुल गांधी से जुड़ा है। आपने कहा कि पर्दे के पीछे से कांग्रेस को अभी भी राहुल गांधी चला रहे हैं, लेकिन अब पर्दे के आगे से आवाज़ आने लगी है, रागा रिटर्न्स। 6 लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया है, आपको लग रहा है कि जल्दी एक बार फिर से रागा रिटर्न्स हो सकता है? अगर हाँ तो कब तक? पहले चर्चा थी दिसंबर में आने की, मुझे सचिन पायलट के एक समर्थक ने कहा था राहुल गांधी आ रहे हैं एंड समवन विल रिप्लेस समवन इन दिसंबर। निकल गया दिसंबर, फिर पता लगा कि पुराने लोगों ने समझा दिया है मैडम को कि बड़ा फंक्शन करेंगे, राहुल गांधी की एंट्री बड़े उस स्टाइल में होनी चाहिए, फनफेयर के साथ होनी चाहिए, तो कैसे करें? तो कहा फरवरी में महाधिवेशन करते हैं, तो मार्च में ताजपोशी करेंगे, तो 3 महीने के लिए तो टल गया ना मामला। फिर की फिर देखी जाएगी उस दिन राहुल गांधी का क्या मूड है, क्यों बेसिकली ही इज़ रिलक्टेंट ब्राइट बाई नेचर, वो सत्ता में कोई सीधी जिम्मेदारी या पद की लोलुपता उनमें नहीं है उस तरह से, लेकिन फिर भी वैसा लगता है कि 6 महीने सेमी वनवास तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सेमी थोड़ा सा नॉन फंक्शनल, लेस फंक्शनल रोल में रहने के बाद राहुल गांधी भी मान गए हैं कि चलो मुख्य धारा में लौटा जाए, माँ ने मना लिया है, तो बात ये हो गई है कि ठीक है राहुल गांधी आ रहे हैं। बिलीव यही किया जा रहा है आमतौर पर कि राहुल गांधी वापस सत्ता संभाल रहे हैं मार्च के आसपास कभी भी। सर, राहुल गांधी दोबारा सत्ता तो संभालेंगे ये तो खैर क्या ही रहे हैं सबके सब, लेकिन क्या शर्तों के आधार पर वो अपने फैसले ले सकेंगे, उसकी छूट होगी उन्हें? और दूसरा सवाल ये कि अगर ऐसा होता है तो क्या जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और पीसीसी चीफ हैं उनमें भी क्या बदलाव होगा? देखिए, इसमें 2 सवाल हैं कि अपनी शर्तों पर जो आ रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा माना जा रहा है नेचुरली, वरना वो रिलेक्टेंट थे, एडमेंट थे कि मैं नहीं आऊँगा और गांधी परिवार का कोई व्यक्ति भी नहीं आएगा, तो सोनिया गांधी ने एक्सेप्शन किया, पार्टी को जिंदा रखना था, पार्टी को लावारिस नहीं छोड़ा जाता 6 महीने 8 महीने के लिए, चाहे आप इंटरिम प्रेसिडेंट बन जाएं, इन वे जो है तो अपनी शर्तों पे आ रहे हैं माना जा रहा है। तो वक्त बताएगा कि राहुल गांधी को फैसले लेने की छूट कितनी है, क्या जो प्रेजेंट सेटअप है कांग्रेस शासित राज्यों का, चीफ मिनिस्टर्स का, पीसीसी चीफ्स का, क्या उसको डिस्टर्ब कर पाते हैं, क्या उसको चेंज कर पाते हैं? अब आप एक एक का देख लीजिए, राजस्थान से ले लीजिए शुरुआत, क्या अशोक गहलोत को चेंज कर पाएंगे किसी भी प्रेशर में? जैसा परसेप्शन की बात आती है, ठीक है, मैं नहीं समझता ठीक है कि चेंज कर पाएंगे। अशोक गहलोत इज गॉन सो टावरिंग एंड सो इन कमांड इन राजस्थान 123-120 लोगों के समर्थन के साथ, जिसे कहते हैं कोई चांस नहीं है, फिर क्या कारण है? कोई कारण समझ में नहीं आता है। गवर्नेंस ठीक है, पॉपुलरिटी ठीक है, आपका अनुशासन ठीक है, आपकी लॉयल्टी ठीक है, और अचीवमेंट्स आगे आप देखेंगे वो ठीक है, तो मुझे नहीं लगता। और फिर पूरी कांग्रेस अशोक गहलोत के मुद्दे पे माइनस राहुल गांधी अगर मैं कर भी दूं एक पल के लिए, तो पूरी कांग्रेस अशोक गहलोत के साथ खड़ी है, तो क्या सोनिया गांधी ऐसा करने देंगी?
ये स्थिति आपको कमलनाथ की है, क्या करने देंगी उसके लिए, उस सिंधिया के लिए जो चर्चा आ गई थी उसने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, एक अनिश्चितता का माहौल क्रिएट किया। और ये चर्चा चली थी कि अरुण जेटली घर गए थे डील करने के लिए उस समय भाजपा में जाने के लिए, तो उनके क्या है उन लोगों का पार्टी के प्रति चाहे देवड़ा क्यों ना हो उस तरह कमिटमेंट, उस तरह का सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उस तरह की ओनरशिप कांग्रेस के साथ होगी, लेकिन मानी नहीं जा रही है इन ए वे। तो क्या सोनिया गांधी उनके लिए कमलनाथ को राहुल गांधी कहने से फॉर ए मोमेंट अगर कहते भी हैं तो क्या डिस्पोज़ करने देगी? नहीं लगता। ये छत्तीसगढ़ स्थिति है और पंजाब वो तो दुनिया ही एक अलग है, वो तो सोनिया गांधी मान लें वही बहुत हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वो अपने आप में सार्वभौम सत्ता है और ये वो लोग हैं जो सत्ता लाए हैं तो इनका अधिकार है अपनी सत्ता पे। एक वो पांडेचेरी है वो किरण बेदी से नहीं सुलट पा रहे, उनको बदलने नहीं बदलने कोई खास कोई मतलब नहीं है इन वे। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को फ्री हैंड देने के बाद सब कुछ करने के बाद भी उनके फ्री हैंड का जो इम्प्लीकेशन होगा, तो पहले तो खाली अनुमान है ये, हम क्यों अनुमान लगाएं कि पांच को बदलना चाहते हैं या पीसी चीफ को बदलना चाहते हैं, मान लो पांच में किसी एक को बदलना चाहते हैं तो आज के सेटअप में मुझे नहीं लगता है पांडेचेरी को छोड़ के किसी और को बड़ा परिवर्तन किसी चीफ मिनिस्टर में करवा पाएंगे ऐसा। और फिर देखो ये तो एनीबडीज लक, कभी किसी का दाना पानी खत्म हो जाता है आप कुछ नहीं कर सकते, कभी किसी नए का दाना पानी आ जाता है, कभी बेटा माँ पे प्रिवेल कर जाता है, जिद हो जाती है तो हो जाता है वो, तो दैट इज़ ए एक्सेप्शनल सिचुएशन। आम धारणा ये है कि कोई परिवर्तन इनमें ऐसा हो नहीं पाएगा और राहुल गांधी से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो अब चैलेंज को स्वीकार करें, फोकस करें पार्लियामेंट में, लीड करें पार्टी को अटैक करने के लिए और राष्ट्र में घूम घूम के 2024 का माहौल बनाएं। राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आ रहे हैं, इसका जो चर्चा है इसकी चर्चा या फिर वो सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन सर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करते हैं, सर अगर राहुल गांधी की दोबारा से ताजपोशी होती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा का भविष्य क्या होगा राजनीति में, और क्या या फिर सिर्फ प्रियंका चुनाव प्रचार ही करती रह जाएंगी या फिर उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह जाएंगी, उनका भविष्य क्या होगा? जहाँ तक प्रियंका गांधी का सवाल है तो नहीं चाहते मुझे कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा। 10 साल तो मैं ये सुनता रहा और लोगों की तरह कि आज आएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगी, फिर ये आया कि 500 सीटों पे जाएंगी, फिर आया यूपी की 200 पे जाएंगी, फिर आया 54 पे जाएंगी, वाराणसी से भी लड़ेंगे चुनाव, ये हाँ भी फिर आया वाराणसी से लड़ेंगी, बेचारी ने तैयारी कर ली ऐन वक्त पे आया कि नहीं, फिर ये आता था भाई का बयान आता था कि मेरी बहन है वो जैसा चाहेंगी वैसे करेंगी, अल्टीमेटली ले दे के एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं सिमट जाती थी दो कॉन्स्टेंसी में, माँ की और भाई की। यह प्रियंका गांधी की ट्रेजडी रही है, जो हथियार था वो हथियार जिसे हिंदी में कहते हैं भोंडा हो गया, उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया समय के साथ साथ, बार बार भेड़िया आया कर करके आपने जो है ख़त्म कर दिया। अब रही बात यूपी की, यूपी पूरा जाना चाहती थी वो नहीं जाने दिया, फिर उत्तरी पूर्वी यूपी, क्या है ये सब मजाक है देश में, कांग्रेस के लोग कहते हैं क्या मजाक है ये, विद इन कांग्रेस की बात कह रहा हूँ मैं आपसे जो है। अब आप लाएंगे राहुल गांधी वापस आ जाएंगे तो एक उसने मौका था प्रियंका गांधी उस सत्ता संभाल देते पार्टी की, आप लोकसभा में लीड करते पार्टी को, एक कम्बिनेशन बनता आपकी पार्टी के लिए, बाल लंबा रिश्ता चलता ये जो है। अब वो आएंगी यूपी में जाएंगी, अब यूपी में क्या जाएंगी, भीड़ में अकेली प्रियंका, मैं लखनऊ गया एक बार प्रियंका गांधी के नेक्स्ट मैन इन कमांड है उनसे मिलने, वहाँ पर देखा मैंने वो गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, नीचे एक जीप नहीं थी एक गाड़ी, मुझे डाउट हुआ कि मैं सही जगह आ गया हूँ या गलत होटल में आ गया हूँ मिलने किसी से, लखनऊ गया तो मैंने कहा चलो भी हेलो कहते हैं जो है वहाँ पे। तो प्रियंका भीड़ में अकेली, अब इंडिया गेट चली गई उस दिन इसके विरोध में, हैं 10 लोग नहीं थे, सेल्फी खिंचाई लोगों ने, अलग हो गई, उन्होंने हालात को समझा वापस चली गई। तो एक पोटेंशियल लीडर को आपने नोइंगली अननोइंगली खुद ही उसको वो कर दिया। तो प्रियंका गांधी एनीबडीज असेसमेंट, और अब कोई खास बात नहीं रही, राहुल गांधी पिक्चर में आ ही रहे हैं तो प्रियंका गांधी ठीक है, एक सब्सिडियरी फोर्स राहुल गांधी के साथ रहेंगी और जब भाषण होंगे तो यही कहा करेंगी माय लीडर राहुल गांधी, दैट्स ऑल। लेकिन क्या राहुल गांधी की मूवी एक तरीके से कहें पिक्चर जो है राहुल गांधी इसमें लीड कर रहा है, वो पिक्चर अगर हिट नहीं हो रही है तो क्या आपको लगता है मौका देना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा को? कांग्रेस अध्यक्ष और माँ की जिद कि राहुल मेरा उत्तराधिकारी होगा, बस। सर मेरा सवाल प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ है, प्रियंका गांधी को तो हम देख रहे हैं राजनीति में किस प्रकार से काम कर रही हैं, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का क्या कोई राजनीतिक भविष्य है? रॉबर्ट वाड्रा के लिए सुनते रहते हैं, उनके मन में एक है, उनको ऐसा लगता है कि उन पर जो केस चलाए गए हैं बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, कोई मेरिट नहीं है, मुझे फ्रेम किया जा रहा है,
और वो चाहते हैं राजनीति में आके मैं राज्यसभा इसमें लोकसभा में आऊँ जीत करके और उस बात का मैं प्रतिवाद करूँ खड़ा होकर के। और राजनीतिक परिवारों में रहते रहते दामाद होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा जागी जाती है, सब देखते हैं इस तरह का जो है। आप कुछ भी कहें प्रियंका गांधी का, चाहे साइडलाइन रोल हो कुछ भी, लेकिन प्रियंका है तो उसी परिवार में ना। आज खाने के टेबल पर बैठते हैं तो उसको वही मान सम्मान मिलते हैं जो राहुल गांधी को मिलता है, राधर राहुल गांधी को डोमिनेट करती हैं पर्सनल लाइफ में। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल लाइफ में राहुल गांधी को डोमिनेट नहीं कर पानी, उन्हें नहीं करने दिया जा रहा। बाकी तो राहुल और वो बिल्कुल एक दुनिया में भाई बहन का अगर सर्वश्रेष्ठ रिश्ते का कोई उदाहरण है तो उन दोनों का है आपस में इमोशनली और हर तरह से। इस सत्ता संघर्ष संघर्ष तो नहीं कहना चाहिए, सत्ता इनइक्वलिटी के बावजूद भी है दैट वे जो है। तो प्रियंका गांधी भी मन में चाहती हैं ठीक है राहुल ये वाड्रा लड़े तो लड़े, और वाड्रा चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि कब तक हाई कोर्ट से उनकी वो सुप्रीम कोर्ट से उनके लिटिगेशन होते हैं। बाकी सरकार के निशाने पर तो हैं ही, कहने की बात ही नहीं है, और वैसे एजेंसीज हैं उनके निशाने पे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, उनके मन में इच्छा ज़रूर है ऐसा मुझे लगता है। किसकी महत्वाकांक्षा नहीं उसमें ऐसा मुझे नहीं लगता है। प्रियंका गांधी विल गो आउट ऑफ द वे टू प्रमोट वाड्रा, चाहे उनके पति हैं, खाना देने जाती हैं, जब वो जाते हैं ईडी की सुनवाई में साथ जाती हैं, एक धर्मपत्नी की तरह साथ जाती हैं। भारतीय नारियां बड़ा प्रभावित होती हैं इससे, ठीक है एक पत्नी के रोल में है ये, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड पे वो उसको टिकट दिलाने के लिए माँ से आउट ऑफ वे जाएं, भाई से कहें, मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय में राफेल मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा था और इसके लिए बाकायदा राहुल गांधी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। सर मेरा सवाल यही है आपसे कि राहुल गांधी जिस तरीके से उनकी राजनीतिक कार्यशैली है और जिस तरीके से वो एग्रेसिव हो जाते हैं, क्या आने वाले समय में राहुल गांधी का ये रुख बदलेगा बीजेपी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर और अमित शाह को लेकर? व्यक्ति अपने आप को बदलना बदले बहुत मुश्किल है। मेरे स्वर्गीय माँ का कहा करती थी कि आदतें आदमी के सिर के साथ जाती हैं, स्टाइल, और वही उसको जगदीश कातिल बनाती हैं, वही राहुल गांधी बनाती हैं, वही उसको अनिता हाड़ा बनाती हैं इन ए वे, ठीक है, या चांदनी बनाती हैं जो है, ठीक है ना, द मोस्ट इम्प्रेसिव इंडियन फेस इन फर्स्ट इंडिया, ठीक है ना, तो बनाती हैं तो पहचान होती है। तो राहुल गांधी एग्रेसिव हैं, ही इज़ ए बोर्न एग्रेसिव लीडर। दूसरा नरेंद्र मोदी के प्रति उनके मन में ऐसा भाव है पॉलिटिकल आक्रोश का कि मानते नहीं हैं। तो ये उम्मीद मत करिए कि एक जगह टेक्निकली माफ़ी दे के आ गए तो उनके भाषणों का टोन डाउन हो जाएगा, या जिसे कहना चाहिए लोग कहते हैं पप्पू, पप्पू हैं नहीं वो, कहते थे अब नहीं है, इन वे जो है पप्पू बन जाएंगे, इसके चांस नहीं थे। अभी वीर सावरकर को लेके बोल दिया ना उन्होंने जो है कितने करो। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा का नया सिरदर्द वापस आ गया, राहुल गांधी उनको चैन से नहीं बैठने देगा मोदी और इनको जो है, वो रोज़ कोई इनको ऐसी बात कहेगा कि उसका डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी लगी रहेगी, बीजेपी इसका प्रतिकार करने में लगी रहेगी इन्हें वे। तो बीजेपी के खुद के जो एजेंडा हैं बेसिक, उसमें एक क्या कहना चाहिए उसको, हिंड्रेंस कहते हैं, फच्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, रोड ब्लॉक कहते हैं, वो राहुल गांधी हो गए हैं। तो कोई चांस मत सोचिए ऐसा कि राहुल गांधी शैली में कोई परिवर्तन करेंगे, उसी आक्रामक मुद्दा में रहेंगे, वैसे हमले करते रहेंगे और ऐसी चलेगी राजनीति। बिल्कुल सर, क्योंकि जब भी वो स्पीच देते हैं हमेशा कोई ना कोई एक विवादित बयान वो ज़रूर दे देते हैं राहुल गांधी। अब ये दोनों बातें हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट्स न्यूज़ आल्सो, कंट्रोवर्सी मेक्स रेलेवेंट आल्सो। हालांकि वो ऐसा सोच के नहीं करते, वो वैसे बड़े आदमी हैं मन से, डेमोक्रेट हैं, अनुशासित हैं और जिसे कहना चाहिए जेंटलमैन हैं, ठीक है ना। और ऐसा उनके मन में नहीं होगा एक मैं मुझे हीरो बनना है मीडिया में खाली बयान दे के, लेकिन हो जाता है एट टाइम्स, आपके बस में नहीं होता। और बस में क्या नहीं होता, वो उसको कन्विक्शन के साथ कहते हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, बस में नहीं होता, हु एम आई टू टेक ए जजमेंट ऑन हिम। वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरा कन्विक्शन है तो करो भाई, करते रहो, वक्त तुम्हारा आएगा एक दिन तो आएगा। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में तीसरी बार कमान संभाली है उन्होंने, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तीसरी बार कमान संभाली है उन्होंने तो एक बार मुझे एक आदमी ने 10 साल पहले कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है अशोक गहलोत, तो मैं उसके वाक्य को याद कर लेता हूँ, कई दफ़ा जो तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने, ठीक है ना, कितना प्रचार था, कितनी धारणा थी, कितना परसेप्शन था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ठीक है। अशोक गहलोत क्या मैं जिसे कहते हैं ना, जू ही नहीं रहेंगी इस प्रचार से, इस बात से, वो मुस्कराते रहे हमेशा जो है। और जिस दिन वोटिंग हुआ तो मुझे किसी ने बताया कि वेणुगोपाल ने जो वोट काउंट किए यहाँ पे तो 78-22 या समथिंग 80-20 और कुछ इस तरह का आया, मतलब मैं उस आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहता इन ए वे जो है, आई हैव ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर पायलट, वो नहीं है, लेकिन एक वोटों की गिनती अलग है, आपकी रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड अपनी जगह अलग है ये।
तो अशोक गहलोत बन गए। वेणुगोपाल ने कहा जाके कि साहब ये स्थिति है, अब आप बताइए जो है। और पूरी कांग्रेस, फिर से मैं आपसे कहूँ, माइनस राहुल गांधी एक दो और लोग मान लीजिए जो अपने फैसले को रिजर्व रखे हुए थे शायद जो है, तो इधर ही थी, तो बन गए और बहुमत के आधार पर बन गए। और अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रेटजी हमेशा होती है कि उन्होंने पहले तो अपने आप को रिंग में डाला कि एमएलए का चुनाव लड़ा, और खुद ही घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा ताकि मौका ही खत्म हो जाए अपील करने का कहीं कि आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। और जिस दिन रिंग में आ गए वो उसी दिन तय हो गया था कि जो विधायक दल की राजनीति है, गणित की राजनीति, उसमें अशोक गहलोत का सानी है ही नहीं कोई जो है, एक एक वोट पे एक उसकी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके लोग को ऐसा प्रचार नहीं करते इस तरह से जैसे वोट मांगने जाते हैं वो, कुछ उनका कोई नपातुला सिस्टम है अपना, उसको वही समझते हैं वो। उन्हें विरासत में किसी और को शायद समझाया भी नहीं अभी तक, वैभव गहलोत को शायद नहीं समझाया होगा, उसको वही समझते हैं वो। तो जीते वो, तो उसका तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना ऐसा, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है फिर चुनाव हुए और रिपीट की बात आई तो शायद चेहरा यही है अब है जो है, मतलब उसमें कोई मास्टर स्ट्रेटजिस्ट कहा आपने उनको, और चाहे राजस्थान का कोई भी इलाका हो चाहे दिल्ली हो। और पहले मैं बात करूंगी कि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं या जितने भी पांच कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी इतना खुलकर, अशोक गहलोत जितना खुलकर नरेंद्र मोदी अमित शाह पे वार नहीं करता हर एक बार जब मौका मिलता है, चाहे दिल्ली में जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं या ICC पहुंचते हैं तब, या यहाँ कहीं पे भी। तो ये उनका एक स्ट्रेटजी है, सोची समझी रणनीति है, हालांकि वो जो सोचते हैं वो अक्सर 90% भाप नहीं पाते, लेकिन ये उनकी रणनीति है। या जो भी जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके प्रति उनका नेचुरल एक्सप्रेशन है या डिसअपॉइंटमेंट है, नाराज़गी है? इसे मैं तो खुद ही हैरान हूँ, अशोक गहलोत का एक नया रूप मैंने देखा है। वो आमतौर पर गांधीवादी, नॉन वायलेंट और उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, विनम्र और बहुत ही शालीनता और ये वाले, हालांकि आक्रमण करना शालीनता से बाहर नहीं है लेकिन वो जैसे करते हैं। इस बार वो जिस तरह से अटैक कर रहे हैं फ्रंटल, तो उसमें दो बातें हैं, एक तो उनका नैतिक साहस, आज पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत ऐसी नहीं है कि वो अशोक गहलोत के नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर फ्रंटल अटैक करे, लेकिन उस धारणा को खंडित करके वो अटैक कर रहे हैं। अब इसके दो कारण हैं कि क्या उनके मन में जो फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है मोदी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का, उससे नाराज होकर कर रहे हैं वो, या कि उनकी सोची समझी रणनीति है। और अगर कोई रणनीति है तो फिर केवल एक ही है, वो पूरे कंट्री में अक्रॉस द पार्टी लाइन, नॉट ओनली कांग्रेस, अक्रॉस द पार्टी लाइन अपनी पोजीशनिंग प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए मोदी के सामने कर रहे हैं, अपनी पोजीशनिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए उसकी पोस्ट के लिए वो कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट हों चाहे अलायंस के कैंडिडेट हों, इन ए वे जो है। तो ये स्थिति है, बाकी फिलहाल पूरे कांग्रेस सर्कल्स में ही इज़ एमर्जिंग एज ए हीरो विद ऑल दीज थिंग्स। और कभी कभी हालांकि खुद भी सोचते हैं कि यार मैं इतना समय से बाहर निकल गया, सीमा से मैं इतना अटैक कर रहा हूँ, क्या सही है क्या मेरे लिए, पर वो केवल एक पल के लिए सोचते हैं, फिर अगले क्षण वापस उसी अटैक पर आ जाते हैं, उन्हें RSS पर अटैक किया है। क्योंकि उनका जिक्र भी होने लगा, मोदी ने उनका जिक्र किया एक सभा में, अमित शाह ने पार्लियामेंट में किया, तो ये तमाम चीज़ों को देखकर, लेकिन वो एक बात भी कहते हैं, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, राजस्थान में वो जब भी आते हैं, और जब वो अभी चुनाव होना था उससे पहले कहा था मैं थांसो दूर नहीं, राजस्थानियों के लिए हमेशा उनका एक टैगलाइन ही रहता है। हाँ, सही है कहना आपका, वो तो ग्रास रूट लीडर हैं, इस सन ऑफ द सॉयल, तो जनता से जुड़े रहते हैं वो। और अगर उनको कोई चॉइस दी जाए कभी इस तरह से कि भी आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना है या मुख्यमंत्री रहना है राजस्थान में, तो वो तो राजस्थान ही प्रेफर करेंगे। और शायद हुआ भी ऐसा, उनको चॉइस थी, उन्होंने कहा भी दोनों पोस्ट दे दो तो मैं काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन जनता से मैं दूर नहीं जा सकता, मैं जोधपुर से दूर नहीं जा सकता, मेरी आत्मा, मेरा ऑक्सीजन राजस्थान है, इनवे दिल्ली मेरा मन नहीं लगता। तो ठीक है, उन्होंने क्लैरिटी से अपनी बात कही, और पार्टी में कभी कोई ऐसा मौका आएगा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाने का और पार्टी सोचेगी कि इनकी सेवाएँ लेनी है, तो पार्टी उनको मुख्यमंत्री रखते बना देगी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट साथ में, पार्टी चॉइस। बिल्कुल सर, और अब मेरा सवाल सर आपसे ये है कि CM अशोक गहलोत जिस तरीके से हमेशा कहते रहते हैं कि BJP के जो कमांड है वो RSS के हाथ में है, तो क्या RSS जो है वो एक राजनीतिक संगठन है, क्या उसको इसको घोषित करते हुए BJP में विलय हो जाना चाहिए, आप क्या कहेंगे सर इसको? देखिए, RSS की गुडविल और रेपुटेशन तो यही है कि भाजपा का रिमोट कंट्रोल उसके पास है, खंडन करते रहे हैं लोग, लेकिन मैंने उसको अमेंड किया है उस स्टेटमेंट को टू एटलीस्ट बाई 50% इन ए वे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यकाल में BJP का जो रिमोट कंट्रोल है वो 51% तो इन दोनों के पास ही है, 49 RSS के पास हो सकता है, ये मेरा असेसमेंट है। लेकिन दूसरे लोग नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं, डिक्टेट, फाइनल डिक्टेट वहीं से आता है, चाहे धनखड़ को राज्यपाल बनाने का हो, किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का, लगाने का, उनका भी मतलब रोल होता है इन वे, और रोल इस तरह से पेश होता है, चूँकि अमित शाह बहुत उसको
टैक्टफुली हैंडल करते हैं मोहन भागवत को, तो ऐसा लगता नहीं कि उन्हें कोई मतभेद है वैचारिक या क्या है। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि लेकिन जो मैंडेट है आरएसएस का होता है। अब एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है, अशोक गहलोत ने उठा दिया है आज सुबह, मैंने पढ़ा जो है कि आरएसएस छिपके क्यों करता है पॉलिटिक्स, सबके सामने आए राजनीतिक दल के रूप में घोषित करें फिर हमसे लड़े, और इसका तरीका ये है कि भाजपा में अपने आप को मर्जर कर दे वो। तो एक पॉलिसी डिसीशन है उनका, सुझाव देखने में बुरा नहीं है। मोहन भागवत को एक दिन अगर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार करना है तो कोई ऐसी बात नहीं है, अथवा वाइस वर्सा इन ए वे जो है। तो आरएसएस एक राजनीतिक दल के रूप में आए और भाजपा में शामिल हो, ठीक है, और विद इन भाजपा में शामिल रहते हुए डोमिनेट करे भले, कोई दिक्कत नहीं है, इज ए वेलकम आइडिया। ये उनकी इच्छा है कि वो वैसे रहना चाहते हैं या आना चाहते हैं, अगर आते हैं तो वेलकम है, नो इशू। सर मेरा सवाल भी अशोक गहलोत से जुड़ा है, क्या कांग्रेस की केंद्र राजनीति में आप अशोक गहलोत का कोई भविष्य देखते हैं? केंद्रीय राजनीति में अशोक गहलोत का भविष्य दो तरह से है, एक तो जब तक राजस्थान में कांग्रेस का राज है, वो मुख्यमंत्री हैं, तो नेशनल लेवल उनका एडिशनल चार्ज होगा, और राहुल गांधी प्रेसिडेंट रहते हुए वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ही बन सकते हैं इन ए वे। और कांग्रेस का राज अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर दिल्ली में जो नेक्स्ट राहुल गांधी असाइनमेंट होगा उनको मिलेगा बाय एंड लार्ज। लेकिन फिलहाल जो आज के हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक ही संभावना है उसमें कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बने दो चार लोग, अगर वहाँ दो तीन लोग, तो एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो एडिशनल चार्ज उनको उसके साथ में दे सकते हैं। बाकी दूसरा है कि जब अलायंस हो 2024 में और अलायंस में एक चेहरा उसमें ढूंढें, और अगर राहुल के नाम पर सहमति नहीं बने बाय द वे, या एज ए रिलेक्टेंट ब्राइड राहुल गांधी उसके लिए तैयार नहीं हो डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो अशोक गहलोत मे बी वन ऑफ द चॉइसेस फ्रॉम कांग्रेस फॉर ए कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, ही मे बी फेस ऑफ अलायंस, दैट इज द सिचुएशन। सर एनआरसी के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी टकराव के हालात पूरे देश ने देखे हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम 22 दिसंबर की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में जयपुर में सिविल सोसाइटी हो या मुस्लिम समुदाय हो, जिनके 3 लाख लोगों ने शांतिपूर्वक रैली निकाली थी, इस रैली को लेकर क्या कहेंगे आप? वो तो अशोक गहलोत का चमत्कार था जिसे कहते हैं जी, जयपुर की सड़कों पर एक नए नेशनल लीडर का जन्म जिसे है। ऐसा हो नहीं सकता कि 2.5-3 लाख मुस्लिम समुदाय के भाई इकट्ठे हों, उनके मन में आक्रोश हो और रैली इतनी शांति से निकल जाए। तो अशोक गहलोत की जो मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी थी, तो उन्होंने दो फैसले लिए, एक तो रैली का स्थान बदला, कर्बला मैदान में रैली होनी थी दिल्ली रोड पे, खुले में था सब कुछ जो है, वहाँ संभावना थी कि भीड़ जो लौट के जाएगी, आमतौर पर ऐसा होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का ऐसा मानना था कि तोड़फोड़ हो सकती है, नुकसान हो सकता है। अशोक गहलोत का चूंकि मॉरल इन्फ्लुएंस काफ़ी है, और एक इनकी खुद की इमेज सेकुलर लीडर की है, सबसे बड़ी बात यह है, वसुंधरा की भी है, पर अशोक गहलोत की बीइंग इन कांग्रेस थोड़ा ज़्यादा है, वसुंधरा बीइंग इन बीजेपी वो एक हिस्सा कट जाता है सेकुलर होने का, वो खुद हैं। अशोक गहलोत को डबल बेनिफिट है, कांग्रेस में है और खुद की इमेज है, तो सारे लीडिंग मुस्लिम लीडर्स को उन्होंने बुलाया, उनको तैयार करवाया कि इसका वेन्यू चेंज करो, अल्बर्ट हॉल में किया, और फिर इसको क्या किया, साथ में उसको जोड़ा सिविल सोसाइटी को, 13 लोगों को जोड़ा, दलों को जोड़ा, 25-35 संगठनों को जोड़ा, और एक ऐसा शेप दिया उसका सर्वदलीय सम्मेलन का एक तरह से, और आश्चर्य की बात है पत्ता नहीं हिला, किसी ने नारा तक नहीं लगाया, किसी ने ईंट तक नहीं फेंकी, और वो चमत्कार हो गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 3 लाख लोग थे वहाँ पे रैली में, तो लोगों ने शाबाशी दी आनंद श्रीवास्तव को, पुलिस कमिश्नर को, बहुत अच्छा किया। उसने कहा मैंने तो अच्छा किया, तो अशोक गहलोत की गुडविल है, हम कितनी शांति रखते हैं क्या करते हैं, एक बार को डंडा चला देता है सिपाही तो डंडा चल जाता है, वो क्या करते हैं उसमें जो है। तो ये री एमरजेंस ऑफ ए और एमरजेंस ऑफ ए नेशनल लीडर जो है ना, ये वाकई अद्भुत घटना थी। सर क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच जो कम्युनिकेशन गैप का परसेप्शन बना हुआ था वो क्या अब पूरी तरीके से बदल चुका है और दोनों काफ़ी करीब भी आ गए? दिस इज मिलियन डॉलर क्वेश्चन। पायलट कैंप, गहलोत कैंप, दोनों के दावे क्लेम्स अलग अलग हैं, लेकिन जो विजिबल है, जो मुझे दिखाई देता है, वो दिखाई देता है कि गहलोत हैज कम्प्लीटली मेड अप विद राहुल गांधी एंड नाउ देर इज़ नो कम्युनिकेशन गैप, नो डिसलाइकिंग और दिस थिंग, एब्सोल्युटली नॉर्मल रिलेशनशिप। और मैं दो घटनाओं को मानता हूँ, अभी राजघाट पे बैठे थे अशोक गहलोत और वो, उन दोनों में बातचीत हुई अच्छे से, आई कॉन्टैक्ट हुआ, और अभी कल मैंने देखा झारखंड में उनके साथ हवाई जहाज से गए और बहुत अच्छे से बातचीत हुई सारी उनके बीच में। और फिर सबसे बड़ी बात यह है ना कि राहुल गांधी इंक्लूडिंग सोनिया गांधी पूरी कांग्रेस को एक तरफ अलग करके अशोक गहलोत पे डिफरेंट लाइन कैसे ले सकते हैं, लगता नहीं मुझे ऐसा।
बाय एंड लार्ज आई एम कन्विंस्ड कि आज की तारीख में देर इज़ ए परफेक्ट कम्युनिकेशन, कोई इशू नहीं। बिल्कुल सर, और मेरा सवाल सर आपसे ये है कि राजस्थान में आखिरकार कब तक गहलोत और पायलट का ये जो फैक्टर है कब तक ये सुलझेगा? ये तो मतलब एक है कि पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, और ऐसा कोई युद्ध भी नहीं हो रहा दोनों में कि युद्ध विराम तत्काल करना आवश्यक हो। डिफरेंस ओपिनियन इज़ द वे ऑफ लाइफ इन पॉलिटिक्स। वो पद के दावेदार थे कि नहीं थे, स्वयं को समझते थे, उनके लोग समझते थे, और किसी ने कभी उनके कान में कहा भी होगा कि गो अहेड तुम्हें कंसिडर करेंगे, इतना ही काफ़ी होता है बड़े लोगों का कहना। तो हो सकता है मिस इंटरप्रेट हो गया हो सकता है क्लियर आश्वासन दिया हो, बाद में 80-20 या जो भी कुछ घटनाएं हुई इसे नहीं कर पाए हों, जो भी कारण है। तो वो क्या है कि वो दो विचारधारा एक हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये कि दोनों में से कोई एक आदमी एक्स्ट्रा माइल चले, तो एक्स्ट्रा माइल दोनों में से किसने चला और किसने नहीं चला लगता नहीं है। उम्र के हिसाब से लगता है अशोक गहलोत ने चली होगी एक्स्ट्रा माइल, नहीं पार पड़ी होगी, या हो सकता है बींग यंग एंड एनर्जेटिक उन्होंने एक्स्ट्रा माइल नहीं चली होगी। पायलट वैसे खुद बस स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी है, दैट वे जो है तो वो भी उतना ही खींच रहे हैं जितना खींचता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में युद्ध हो जाए ओपनली, ऐसा नहीं हुआ किसी ने। आसपास ही गोलियां जब चली तो कान के पास से चली इन्हें, वे जब भी पिछले एक साल में एक दो बार चली होंगी कभी जो है, बाकी ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन बात नहीं है। फिर क्या है कि अविनाश पांडे को लगा दिया गया है इस काम पर, तो ये ऐसी डिफरेंस ओपिनियन चलता रहेगा। और कोल्ड वॉर होता है, सब देशों में होता है, हाईकमान में ही है। आप देख लो सोनिया गांधी के यहाँ ओल्ड वर्सेज न्यू, तो ऐसे राजस्थान में समझ लो भैया कि हमें विरासत में मिला है ये पायलट वर्सेस गहलोत, इन्हें वे चलने दीजिए, टाइम विल पास, 5 साल निकल जाएंगे, फिर सरकार आएगी तब देखा जाएगा जो है। अभी तो गहलोत साहब हैं तो चल रहा है इन्हें वे, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आपने जिक्र किया अविनाश पांडे जी का, क्योंकि राजस्थान पॉलिटिक्स की बात और अविनाश पांडे की बात ना हो, और प्रभारी का काम होता है संगठन और सत्ता के बीच का तालमेल, जो कि राजस्थान के लिहाज से बड़ा टिपिकल सेंसिटिव है पॉलिटिकली देखा जाए तो उनके जो प्रयास रहे भागीरथ प्रयास, वो कितने सफल आपको नजर आएंगे नजर आते हैं, और उनका अभी तक का रोल आपको क्या लगता है और आगे आने वाले समय में उनका रोल कितना महत्वपूर्ण होगा? अविनाश पांडे एक साइलेंट परफॉर्मर हैं, एक करिश्मा हैं कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में, 24/7 कांग्रेस वर्कर हैं। उन्हें अगर ये कहा जाए कि तुम्हें मंत्री बनना है या मुख्यमंत्री बनना है या पीसीसी चीफ बनना है तो पीसीसी चीफ बनना पसंद करेंगे। सत्ता का मोह नहीं है, सीजनड हैं, मैच्योर हैं, बैलेंस्ड हैं, नपीतुली बात कहते हैं, लूज टॉक नहीं करते हैं, परसेप्शन क्लियर है, पूरी गांधी फैमिली के साथ एक जैसा तालमेल है, चाहे सोनिया हो, प्रियंका हो या राहुल गांधी हो। तो एक अलग किस्म का अजूबा हैं, और अहमद पटेल स्कूल के बहुत पुराने वो मुकुल वासनिक के साथ के विद्यार्थी हैं इन्हें वे, जो अहमद पटेल सत्ता में कितना रहें ना रहें लेकिन उनके प्रति उनका मान सम्मान मैं देखता हूँ वही सब रहता है। और आप देखिए राजस्थान का जिम्मा उनको मिला, तो पार्टी को ग्रास रूट पे खड़ा करने में, अब अपेरेंटली तो क्रेडिट पायलट को जाता है इन्हें वे के पीसीसी चीफ हैं, ठीक है उससे इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन एक रोल जो है आज अविनाश पांडे का, एक एक एमएलए को जानते हैं, नाम से जानते हैं, रैली थी दिल्ली में तो उनके जो अरुण हैं सहायक हैं उसके मार्फत उन्होंने 200 एमएलए को फ़ोन करवाए, तो इतना कनेक्ट है उनका। मुकुल वासनिक का भी किस ज़माने में होता था, लेकिन ये वो उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र के एमएलए आए थे तो मैंने देखा एक एक एमएलए उनको नाम से जानता है, वो शिंदे की नहीं सुन रहे, वो चौहान की नहीं सुन रहे, वो एंटोनी की नहीं सुन रहे, वो मैंडेट सुन रहे हैं, किसका सुन रहे हैं डिक्टेट वो सुन रहे हैं अविनाश पांडे का, वो महाराष्ट्र की भाषा में कुछ उनको समझा रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में अपना रोल कर रहे हैं। तो वो एक अलग तरह का एक फिनोमिना है अविनाश पांडे, और राजस्थान में रोल है उनका, और अभी सोनिया गांधी ने मेन रोल उनको दिया हुआ है। अभी तुम दो काम देखो जयपुर बैठ करके, एक तो ये कि पायलट इनके बीच में मधुर संबंध रहे, पार्टी यूनाइटेड फेस करे, और काफ़ी हद तक वो सक्सेस हैं, वो करते हैं इसमें। सेकंड ये भी ज़रा गवर्नेंस को भी देखते रहो थोड़ा बहुत, ताकि 5 साल में फिर अपने को रिपीट करना है, और पार्टी का जो ओवरऑल मैंडेट है गुड गवर्नेंस का वो चलता रहे जो है। तो पांडे इज ए डिस्कवरी इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जैसे सर समंदर की लहरें आती जाती हैं लोरे खाती हैं, वैसे ही जो कार्यकर्ता है प्रमुख उनका कॉन्फिडेंस उनका एक्साइटमेंट भी लोरे खा रहा है, रोज सुबह उठकर सोचता है आज पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जाएगा, फिर उदास हो जाते हैं फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ये अभी हो नहीं रहा, फिर वापस आचार संहिता लग गई वापस रुक गया, तो चाहे शफल की बात करूँ मैं कैबिनेट शफल चाहे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, इनका सिनेरियो अब क्या होगा और उसको कैसे देखते हैं आप? और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, बसपा के विधायक आए
उसके बाद पार्टी स्ट्रांग भी हुई, उसके बाद वो सवाल कभी नहीं उठा कि क्या सरकार टूटेगी, लेकिन उनको अभी तक भी एक मतलब औपचारिक मेंबरशिप नहीं मिली है, इसको कैसे देखते हैं? दो सवाल हैं अलग अलग। पहला सवाल है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और कैबिनेट रिशफल कब होगा, होगा कि नहीं। सेकंड है बसपा विधायकों का भविष्य, ठीक है। तो पहला जो सवाल है उसमें तो ये है कि ऐसा लगता है कि गहलोत साहब, अविनाश पांडे हर बार अपनी लिस्ट बना करके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की, कैबिनेट रिशफल की, और यहाँ तक कि पीसीसी की, वहाँ पे जाते हैं सोनिया के यहाँ, यहाँ से जब जाते हैं स्टेट प्लेन में तो सोच के जाते हैं कि भाई आज करा के शाम को लाएंगे ठप्पा लगवा के इस पर, ठीक है। दिल्ली जाते हैं, अविनाश पांडे जाते हैं, बाकायदा सोनिया गांधी से बात होती है, लेकिन शाम को जो पता लगता है कि वो आज ठप्पा नहीं लगा, कुछ और होमवर्क करने को कह दिया है कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये एक मिस्ट्री है, एक जैसे कहते हैं गुगली है ये आला कमान की, जो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है यहाँ पे। इन ए वे कब तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होंगे, ऐसे करते करते 5 साल कार्यकर्ताओं के निकल जाएंगे, कब कैबिनेट रिशफल होगा, आप नॉन परफॉर्मेंस को ड्रॉप करना चाहते हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो चल रहा है तो पीछे से कोई दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पायलट है मे बी, वो उसको थोड़ा सा पीछे खींच देता है, अपने विचार रख देता है, अपने नए नाम दे देता है, अपने नए प्रस्ताव दे देता है, वो फिर रुक जाता है, हाईकमान कन्फ्यूज हो जाता है। तो इट इज़ एनीबडीज गेस के कब होगा, लेकिन कांग्रेस में खास करके अशोक गहलोत, अविनाश पांडे और बड़ी संख्या में मंत्री रोज़ यह सोचते हैं कि भाई अब इस हफ्ते हो जाएगा। तो लेट्स होप, लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। सर आपने बात सचिन पायलट की, मेरा सवाल इनका दूसरा सवाल छोड़ दिया इन्होंने, बसपा को लेकर हाँ। बिल्कुल सवाल था क्योंकि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ वहाँ पर बसपा के विधायक में से एक ने पूछा सचिन पायलट की, सचिन पायलट भी प्रेजेंट थे, तो उन्होंने कहा ये मेरे पास आएंगे या मैं इनके पास जाऊंगा, तो अभी भी वो कहीं ना कहीं इशू है कि मेरे पास नहीं आए और आप सब मतलब सम थिंग्स आर अनसेड। अब दोनों बातें हैं, अब जो फैसला उनको लाने का वो गहलोत साहब का मास्टर स्ट्रोक था, केवल 3 लोगों को मालूम था, सोनिया गांधी, अविनाश पांडे और अशोक गहलोत, और सचिन पायलट को मालूम नहीं था, तो उनको बुरा लगा, लगना स्वाभाविक था, पीसीसी चीफ हैं। लेकिन इन लोगों का कहना यह था कि वे मजबूरी ये थी कि बात बाहर जाती, बाहर सवाल ये नहीं था क्रेडिट कौन ले, गहलोत या पायलट, सवाल ये था कि यार कहीं से बात थी तो थोड़ी लीक हो गई तो फिर सारा प्लान हमारा फेल हो जाएगा। इन वे हाँ मतलब जो भी था इस तरह से जो है तो हुआ वो, बाकी है कि एक्सपेक्टेशंस आर द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, वो तो उम्मीद करके आए थे और उनका हक था मंत्रिमंडल में आने का, लेकिन अब जिस दिन मंत्रिमंडल बनेगा निश्चित तौर पे कम से कम 2 बसपा विधायक मुझे लगता है मंत्रिमंडल में होंगे, तो दे शुड हैव ए होप इन दिस न्यू ईयर कि नए साल की गिफ्ट उनको मिलेगी। बिल्कुल सर, बात सचिन पायलट की लगातार चल रही है, मेरा सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ है, क्या आपको भी लगता है एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर सचिन पायलट को या तो पीसीसी चीफ या फिर डिप्टी सीएम के पद को छोड़ना होगा किसी एक को, और अगर आला कमान उन्हें डिप्टी सीएम बनाए रखना चाहती है तो पीसीसी में जो नए चेहरे आएंगे वो कौन से हो सकते हैं? मैं 6 महीने से ये सुन रहा हूँ और ठीक ही सुन रहा हूँ कि भी एक सहमति आलाकमान में बन गई है, एक व्यक्ति एक सिद्धांत, और गहलोत कैंप पूरी कोशिश कर रहा है आलाकमान के सिद्धांत को लागू करवाने के लिए, उनके फैसले लागू करवाने के लिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि वे पीसीसी से मुक्त हो जाएंगे, वो 6 साल हो गए उनको, डिप्टी सीएम रहे मोस्ट वेलकम, और पीसीसी में अशोक गहलोत, अविनाश पांडे लोकल सेंटीमेंट या कास्ट इक्वेशंस के हिसाब से, कास्ट बैलेंसिंग के हिसाब से किसी ब्राह्मण या जाट को लाना चाहते हैं इन्हें वे, तो उनके मन में है 6 महीने से बात, लेकिन वो चूंकि रिशफल नहीं हो पा रहा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे और 100% कंसेंसस बिटवीन द 2 ग्रुप्स नहीं बन पा रहा इन्हें वे, तो फैसला जो है वो अटका हुआ है, लेकिन होमवर्क सब ने किया हुआ है। अभी पिछली बार पूरी संभावना थी जब अशोक गहलोत दिल्ली गए थे कि आज तो ठप्पा लग ही जाएगा नए पीसीसी चीफ पे, नहीं हुआ। शाम को ही सचिन पायलट के एक आदमी ने चैनल में फ़ोन करके कहा कि ये तो जब तक रहेंगे तो डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ दोनों ही रहेंगे, जो भी सोचा होगा इन्हें वे, उस कैंप का ये दृष्टिकोण है कि चलो बड़ा पद ना मिले यहाँ तो हम दोनों पे रहेंगे। इनका ये है कि भी आलाकमान ने फैसला ले लिया है तो लागू करिए उसको। अब सवाल ये है कि फिर उनकी चॉइस मानी जाएगी कि नहीं, अगर मानी जाएगी तो ही वुड लाइक टू स्टिक टू पीसीसी, नॉट डेप्यूटी सीएम जहाँ वैसे खुश नहीं है इन ए वे जो है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन गहलोत कैंप का होमवर्क पूरा है और काफ़ी सहमति उन्होंने दिल्ली में बना रखी है। अब उसमें ब्राह्मण करते हैं अगर वो महेश जोशी, रघु शर्मा का नाम चलता है, ये दोनों अशोक गहलोत के बहुत पुराने सिपा सालार हैं,
वक्त के हिसाब से थोड़े बहुत दाएं बाएं हर आदमी होता है, हो जाता है, इन वे जो है हैं प्रायोरिटी में ऊपर नीचे आते हैं, लेकिन हैं उनके सिपा सालार हैं, दोनों ही हैं उनके। और फिर रघु शर्मा का सवाल है तो वो अविनाश पांडे के एक तरह से नॉमिनी कहो, स्टूडेंट कहो, या उस स्कूल ऑफ थॉट के उनके सिपा सालार राजस्थान में, वो खुद महसूस करते हैं कि रघु 24/7 पॉलिटिकल आदमी है, मंत्री तो बन गया तो चलो ठीक है, वही बेसिकली उनका मन जो है रघु शर्मा का पार्टी में रमता है इन ए वे। तो ये चॉइस है बिटवीन द टू ब्रोली अगर ब्राह्मण आप बनाते हैं तो। और जाट पे अगर आप जाते हैं तो हरीश चौधरी का नाम आमतौर पे आता है, वो भिलवाड़ा वाले जो हैं रामलाल के हैं उनका नाम भी आता है इन ए वे, और लालचंद कटारिया का नाम भी आता है। तो सवाल इतना सा है कि क्या आप अशोक गहलोत अविनाश पांडे की सिफारिश को पूरा मान के ठप्पा लगा देते हैं, या कि कोई तीसरा नाम लाते हैं निकल के? पीसीसी मुझे नहीं लगता अगर चेंज होता है जैसे कि इनको उम्मीद है तो फिर ब्राह्मण या जाट में से ही कोई बनेगा, और उस सूरत में इस कैंप का जो नॉमिनी होगा ब्राह्मण या जाट उसके चांसेस ज़्यादा हैं बनने के। तो कांग्रेस में बसपा विधायक, छह विधायक बसपा के कांग्रेस में आए और उनकी ये चाह थी कि मंत्री पद मिल जाए, आपने भी कहा कि हम होप करते हैं कि गिफ्ट मिल जाए 2020 में, तो ऐसा कुछ होगा? निश्चित तौर पर पूरा होगा, और मेरा मानना है कि अगले साल जब हम जैसी शो करेंगे 31 दिसंबर को, उससे पहले कम से कम दो बसपा विधायकों की शपथ हो चुकी होगी मंत्रिमंडल में। जी, वैभव गहलोत का कैसे रोल देखते हैं आप आने वाली राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में? आने वाले कल की राजस्थान की राजनीति और क्रिकेट जगत दोनों में वैभव गहलोत का भविष्य उज्जवल है। यह सही है कि लोकसभा चुनाव में वो जोधपुर से हारे, कोई भी लड़ता तो हार जाता, कांग्रेस ने सभी 25 सीटें गंवाई, क्योंकि वो आम चुनाव नहीं था, एक सुनामी थी राष्ट्रवाद की, मोदी की, शाह की। कुछ लोग कहते हैं कि वो जालौर से लड़ते तो जीत जाते, मैं ऐसा नहीं मानता, कोई कहीं से लड़ता। इस सुनामी में 25 सीटें उनको जाना तय था जो चली गईं, लेकिन वैभव ने बड़प्पन दिखाया, चुनाव हारने के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, हर असेंबली सेगमेंट में गए, लोगों से मिले, उनको थैंक यू कहा। कोई दूसरा वीआईपी होता तो शायद आँख के उससे ही नहीं जाता कि कैसे फेस करूँगा, मैं चुनाव हार गया, उसने बड़प्पन दिखाया। और ख़ास बात यह है कि वैभव गहलोत बहुत ही विनम्र और एक जेंटलमैन पॉलिटिशियन है, उनकी इंटीग्रिटी है, उनका वैल्यू सिस्टम है, क्रिकेट जगत में, ग्रामर वर्ल्ड में सब तरह के ल्योर पॉलिटिशियंस को आते हैं, बट आई बिलीव ही स्टिल कंटिन्यूज टू बी वन वुमेन मैन, बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत है राजस्थान में, जीवन के किसी मोड़ पे, मे बी 2023 और 2028 कभी सीपी जोशी मुख्यमंत्री बने, रघु शर्मा बने, महेश जोशी बने, तो वैभव गहलोत उनकी कैबिनेट में होंगे ही। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स की बात यह है कि अगर 2023 में या किसी मोड़ पे सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बने तो वैभव गहलोत उनकी कैबिनेट में एक कंसेंसस चेहरा होंगे, क्योंकि नौजवान हैं, कंसेंसस चॉइस है, सब लोग पसंद करते हैं एक दूसरे को, इरेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग गहलोत फैमिली और नो गहलोत फैमिली जो है। और तीसरी बात क्या है उनके जीवन में कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, अभी जो पॉलिटिकल शिक्षा दीक्षा है वो गहलोत साहब प्रॉपरली करवा रहे हैं। उन्होंने इस काम के लिए, उनके एक जो हार्ड कोर लॉयलिस्ट हैं उनको उनका हनुमान कहा जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं अमित शाह, ऐसे अशोक गहलोत के पॉलिटिकल हनुमान हैं धर्मेंद्र राठौड़। उसकी शिक्षा दीक्षा का जो इनिशियल जो ट्रेनिंग है, पॉलिटिकल काम है, संपर्क है, एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, उन्होंने प्रोफेसर धर्मेंद्र राठौड़ को उनका टीचर नियुक्त कर दिया है, वो सीख रहे हैं, सब बातें चल रही हैं। लेकिन ये मेरा पक्का मानना है कि एक नौजवान है, अच्छा चेहरे हैं, विनम्र है, और ऐसे लोगों की राजनीति में हमेशा जगह होती है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि आने वाले कल में वैभव गहलोत का भविष्य ब्राइट है, ऑल द बेस्ट। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव हुए, बीजेपी की करारी हार हुई, अब 2023 में आप भाजपा की स्थिति कैसे देखते हैं, सरकार बना पाएंगे? और क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो आप देखिए, भाजपा का जो भविष्य है वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के रुतबे से बंध चुका है। भाजपा का भविष्य और नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच एक तरह से की शादी हो चुकी है इन ए वे। वो लोग अगर पावर में हैं तो राज्यों में भाजपा जीतेगी, क्योंकि अब सेंट्रली डोमिनेटेड भाजपा हो गई है, राज्यों से वो कंट्रोल नहीं होती, राज्यों से डोमिनेट नहीं होती है।
अगर 2023 में मोदी और शाह का रुतबा बरकरार रहेगा, ठीक है, और लोकल इश्यूज हावी नहीं होंगे यहाँ पे, और एक नई नई दिशा और दिखाई है इन चुनावों ने कि दिल्ली का वोट तो नरेंद्र मोदी को देंगे लेकिन राज्यों का वोट वहाँ के राज्यों के लोकल लीडर्स को देंगे, लोकल मुद्दों पर देंगे, नेशनल मुद्दों पर नहीं देंगे। इसलिए 2023 का संकट बीजेपी के सामने वास्तव में बड़ा संकट है इस समय, क्योंकि आज अमित शाह नरेंद्र मोदी के पूरी पावर में होने के बावजूद पार्टी हार रही है राज्यों में, आप देख रहे हैं। तो बीजेपी के सामने टफ चैलेंज है इस बार। अब डिपेंड ये करेगा अगुवाई बीजेपी की कौन करता है 2023 में, दूल्हा कौन होगा। और एक इसलिए इम्पोर्टेंट, रोज सुबह हम दिल्ली में ये देखते हैं कि जो यहाँ के सीनियर कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो ये पूछते नजर आते हैं कि हम किसके पास जाके किसके ढोग लगाएं, क्योंकि इतने सारे दूल्हे तैयार हो चुके हैं। क्राइसिस है, लीडरशिप का क्राइसिस है, अनफॉर्चुनेट है। पार्टी को लाइन लेनी चाहिए, जिस किसी नेता को वो इंडिकेट करना चाहते हैं कि ही इज़ द फेस फॉर 2023, वो फेस इनको करना पड़ेगा, वरना आधे लोग वसुंधरा राजे के जाएंगे, आधे गजेंद्र सिंह के जाएंगे, आधे वहाँ जाएंगे। यहाँ पर कहना सही है और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के मार्फत से भावना उन तक पहुँचेगी, पार्टी डिसीजन मेकर्स तक, और वो एक फैसला लेंगे कि राजस्थान का अगला बीजेपी का योद्धा 2023 में अशोक गहलोत के सामने कौन है। बिल्कुल, और इससे जुड़ा सवाल सर, 2023 की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी रहती है, और जिस तरह से आपने कहा कि हाँ केंद्र में अलग बात है लेकिन राज्यों में भी अलग स्थिति अलग तस्वीर आती है, लेकिन अगर बीजेपी की बात कर ले 2023 के लिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के तौर पर शॉर्टलिस्ट कर लिया है, और एज अ केंद्रीय मंत्री उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो शॉर्टलिस्ट करने की बात है तो गजेंद्र सिंह शेखावत का खुद का आचरण, उनका रोल राजस्थान में, और नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो एक आशीर्वाद, एक इनडायरेक्ट ब्लेसिंग्स दिखते हैं, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि उन्हें चीफ नहीं बना पाने का, वसुंधरा की जिद के कारण उस समय, या वसुंधरा की डोमिनेंस के कारण जो पूरी नहीं हुई थी, उस अपने सिलेक्शन को या अपने फैसले को या अपनी जिद को वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर जस्टिफाई करना चाहते हैं 2023 में, ऐसा लगता है एट टाइम्स। क्योंकि केंद्र से जो भी कोई बीजेपी का लीडर आता है, मंत्री आता है, तो राजस्थान के नॉमिनी के रूप में वहाँ से अमित शाह के यहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत को उनके साथ एकम्पनी करने के लिए प्रोटोकॉल कुछ भी कहिए साथ भेजा जाता है। तो ऐसा लगता है अपेरेंटली कि वो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं उस पद के लिए। और फिर दूसरा क्या है कि उनका जो व्यवहार और आचरण है वो अभी से क्या है कि मुख्यमंत्री डेजिग्नेट जैसा हो गया है गजेंद्र सिंह शेखावत का। वो सरेआम कहने लग गए हैं मीडिया के सामने भी कि 2 साल की बात है, देख लेंगे, 2 साल बाद अपन ये काम कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो कई लोगों ने पूछा कि 2 साल की क्या थ्योरी है, अशोक गहलोत तो 5 साल हैं, कांग्रेस तो 5 साल है, इन वे जो है, तो क्या आप 356 करने जा रहे हैं 2 साल बाद, कि क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसी लूज टॉक होती है जिससे नेता के नंबर कटते हैं इन वे। तो ये सही है कि वो शॉर्टलिस्टेड हैं और स्मार्ट हैं, यंग हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है इन वे, लेकिन ऐसी बातें आएंगी और इस तरह से होगा तो जो दूसरा खेमा है वो एक्टिव होता है। तो निर्णायक बात ये देखने की है कि आने वाले दिनों में 2023 तक क्या गजेंद्र सिंह शेखावत अपने आप को इंटैक्ट रख पाते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट कैंडिडेट, या कि फिर वसुंधरा बाउंस बैक करती है, या कोई सतीश पूनिया आ जाते हैं या कोई और आ जाता है, दिस इज़ टू बी सीन। और परफॉर्मेंस की बात आपने कही, प्रधानमंत्री ने बहुत आशाओं के साथ, और चूँकि बहुत पढ़े लिखे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका अनुभव है तो ये मंत्रालय उनको दिया है, लेकिन मुझे किसी ने कल दिल्ली में कहा कि शायद प्राइम मिनिस्टर उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगा, क्यों, मैंने अगले दिन देखा अखबारों में प्राइम मिनिस्टर के साथ ही खड़े हुए थे एक फंक्शन के अंदर। तो वो एक अलग बात है, अब गंगा का सारा काम उनको सौंपा हुआ है और सौंपा हुआ है, प्रधानमंत्री का मन का मिशन है ये वाला, ये पहले तो स्किल का था उनका, अब ये है आपका जल ग्रहण योजना वाला जो है, तो वो सब ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, अभी ओवरऑल कोई इशू ऐसा नहीं है। मेरा सवाल ये है आपसे कि भाजपा के चीफ काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं भाजपा में, तो क्या वो भी इस दौड़ में शामिल है? निश्चित तौर पे दौड़ में शामिल तो उनका हक बनता है, क्योंकि आमतौर पे जो होता है आगे जंपिंग होता है वो पीसीसी चीफ, बीजेपी चीफ, इन्हीं से मुख्यमंत्री पद के लिए होता है आमतौर पर, ऐसा देखा गया, एक्सेप्शन होते हैं सब जगह। अब वो नौजवान हैं, निर्वाचित हो गए हैं, कल लोग किसी को कह रहे थे कि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मेरे को इतना समर्थन मिलेगा, लोगों का इतनी बड़ी संख्या में लोग मेरे पास आएंगे, और कुर्सी सिखाती है, वो काम सीख रहे हैं, और अभी 4 साल पड़े हैं, तो हो सकता है 4 साल आते आते अगर वो वसुंधरा को नहीं भी बनाना चाहते फॉर ए मोमेंट, आप यूँ मान लीजिए, ठीक है ना, तो तब भी क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने इनके नाम पर विचार हो सकता है उनके साथ साथ, क्योंकि RSS की चॉइस हैं, गजेंद्र सिंह भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कभी कभी कि शायद राजस्थान RSS का झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा है सतीश पूनिया के साथ, मे बी इन्हें उस पर डिपेंड करता है।
विधानसभा 2023 विधानसभा चुनाव में वसुंधरा फैक्टर क्या रहेगा? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, हर कोई इसी इंतज़ार में है बीजेपी में कि भैया क्या होने वाला है इन ए वे, वसुंधरा राजे फैक्टर का क्या होगा, क्योंकि टेम्परली वसुंधरा राजे को साइड लाइन किए जाने के बावजूद उनका रुतबा, वसुंधरा राजे की पॉपुलरिटी, उनकी क्राउड पुलिंग कैपेसिटी, उनका पब्लिक रेस्पॉन्स कम नहीं हो पा रहा है। वो जहाँ भी जाते हैं क्राउड आती है। अभी एक फंक्शन था, नीचे बैठ गई जा करके, मंच पे नहीं गई। खन्ना साहब सीनियर आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भाई, बुलाओ बुलाओ। सतीश पूनिया गए, ऊपर ला के बैठाया, लोगों ने कहा कम बैक वसुंधरा राजे इन ए वे। तो वसुंधरा राजे को आप इग्नोर, मतलब कहना चाहिए साइड लाइन तो कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते आप वसुंधरा राजे फैक्टर को। तो कोई न कोई सम्मानजनक हल 2023 के दिसंबर से पहले ढूंढना पड़ेगा, ये तो एक तय है। अब ढूंढने के दो समाधान हैं, आप उन्हें केंद्र में उससे पहले यूनियन कैबिनेट में ले लें इन ए वे, और आगे भी ऐसा रहे कि सरकार दिल्ली में बनाएंगे, आपका कार्यस्थल जो है, आपकी कार्यभूमि जो है, अब आपकी कार्यस्थली वो जयपुर नहीं है, वो दिल्ली हो गई है। एक तो ये है, दूसरा है कि खुद उनके हिसाब से कलेक्टिव लीडरशिप बन जाए। आप भले गजन सिंह को बनाएं, लेकिन ये कह दें कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये 50 टिकट वसुंधरा ही देंगी, मान सम्मान एक जो होता है व्यक्ति का वो मिले यूनियन कैबिनेट के साथ। अकेले ये रोल नहीं कि भाई 50 टिकट आपने दिलवा दिए तो संतुष्ट हो जाएंगी दैट वे। तीसरी संभावना लोग बताते हैं, जिसे मैं नहीं मानता, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रुतबा कुछ कम हो जाए 2023 में, और वसुंधरा का नैतिक साहस जाग जाए और क्षेत्रीय पार्टी बना लें, फिर मुख्यमंत्री बन जाएं, जो है वो संभावना कम है। लेकिन वो रूल्ड आउट टोटली नहीं है, 5% तो रखी हमेशा उस संभावना को आप मान के दैट वे। वैसे अनुशासित हैं वो, विजयराय सिंधिया की बेटी जिन्होंने भाजपा खड़ा किया था दैट वे जो है। तो वसुंधरा राजे फैक्टर है, फैक्टर रहेगा। द ओनली क्यूरियोसिटी इज हाउ हाई कमांड हैंडल्स दिस फैक्टर। जगह मिल जाएगी, लेकिन वो वसुंधरा फैक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो एक एडिशनल चीज़ है दैट वे जो है। सर ये तो बात राज्य फैक्टर की, लेकिन सर अब बात करते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 4 लाख से अधिक वोटों से, लगभग 4 लाख के करीब वोटों से जीत हासिल की। लेकिन सर क्या अब आपको लगता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, और क्या मुख्य धारा में लौट पाएंगे वापस? राज्यवर्धन को तो एक्चुअली इसमें जन्मपत्री ज्योतिष को दिखानी चाहिए। किसी ने सोचा नहीं था कि 4 लाख वोटों से जीत के, और इतने डोमिनेंस थी उनकी पीएमओ में और दिल्ली में, एंड ही वाज परहैप्स द अमंग वेरी फ्यू पर्सन वाज इक्वली क्लोज टू मोदी एंड अमित शाह, और एक बच्चे की तरह प्यार करते थे उसको। तो अब वो दाना पानी ख़त्म हो गया। मैं तो जन्मपत्री को ही दोष दूंगा, कुछ गलतियां राज्यवर्धन ने की होंगी, ऑफ फोर्स वो कारण बनती हैं आपके हटने का, लगने का, लेकिन एक्चुअल में तो उनका राज जो ख़त्म हो गया था, कोई कारण नहीं है। कारण 2-3 लोग गिनाते हैं, उनको रिपीट करने से कोई पुअर इंटरेस्ट इन ए वे कि क्या था क्या नहीं था, स्टार से क्या था और क्या इशू था, कोई उससे मतलब नहीं। आज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ऐसा कहने की जो है, मैलाइन करने की किसी को जो है। तो वो तो उनका भविष्य तो उनकी जन्मपत्री तय करेगी कि मुख्य धारा में लौट पाते हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार वो मोदी और शाह की नज़रों से थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं। तो लेट्स सी। लोकसभा स्पीक 2019 के दौरान लोकसभा स्पीकर के पद पर ओम बिरला को आप किस तरह देखते हैं? ओम बिरला की ताजपोशी लोकसभा स्पीकर के पद पे एक चमत्कार है, एक ईश्वर का वरदान है, जन्मपत्री का वरदान है, स्टार्स का वरदान है। और जिस दिन वो शपथ उनकी हुई थी, वो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, वो प्राइम मिनिस्टर उनके लिए पढ़ रहे थे स्तुति गान, उनकी प्रशंसा तारीफ जो हो रही थी, उसे देख के ओम बिरला खुद ही समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है मेरे जीवन में। ये उन्होंने खुद ही कहे क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं चला है क्या हो रहा है, वो इस दुनिया में ही नहीं थे। तो पृथ्वी पे भाग्य का सबसे बड़ा चमत्कार कोई है भारत में कम से कम, तो उसका एक प्रतीक है ओम बिरला। सो विश हिम बेस्ट ऑफ लक। सर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल और फर्स्ट इंडिया अखबार ने मई 2019 में जब चुनाव के परिणाम आने वाले थे, ठीक एक हफ्ते पहले ये कह दिया था, क्लियर कर दिया था, या तो बीजेपी 170 और या फिर 303 क्लियर मैंडेट लेकर आएगी। हुआ भी यही, एग्जैक्टली 303। सर मेरा सवाल ये है कि आपकी ये भविष्यवाणी इतनी ज़्यादा सटीक कैसे थी? मेरी भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवाणी तो टीम की होती है। अभी आदित्यनगर जैसे सुरमा रिपोर्टर हैं दिल्ली में, तो क्या करें, इनकी बात आती है उनको वे करना पड़ता है, देखना पड़ता है। फिर हमारे एडिटर हैं उमर साहब, वो अपना दिमाग लगाते हैं, फिर मुझ तक आते हैं। तो मैं वैसे ही ज़रा
उत्साह में रहता हूँ खबरों को लेकर, क्योंकि खबर ही जीवन है कि खबर मिस नहीं होनी चाहिए। तो लगा दिया 303 सीट 170। उस दिन जो आकलन था 170 का था, अगर ये पुलवामा और ये बालकोट नहीं होते तो 170 ही थे ये लोग, लेकिन हो गए तो 303 हो गया। तो लोगों ने पूछा सवाल भी, ये क्या बात है, एग्जैक्ट आंकड़ा आपके पास कैसे आया? उन दिन लोग ईवीएम की बात किया करते थे, अब तो धुल गया आरोप ईवीएम का। क्या हुआ महाराष्ट्र में, क्या हरियाणा में हुआ, कहाँ गई ईवीएम आपके? झारखंड में कोई ईवीएम नहीं है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन थी ईवीएम की लीक हो गई होगी, इनको पता लग गया होगा दिल्ली में, तो इन्होंने छाप दिया 303। ऐसा कुछ नहीं था, आकलन था और एक केंद्रीय नेता ने ही कहा था, उसी की बात को हमने ओवर हेयर किया कहीं, जो है एक केंद्रीय मंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई 303 लाएंगे हम तो, और शायद पीयूष गोयल ही थे जो उन्होंने कहा 303 लाएंगे। हमें भी जची, हमने कहा ठीक है, हमने ठोक दिया हेडिंग 303, वो सही निकल गया, हीरो बन गए, आदित्य को हमने शाबाशी दे दी। सर एक और भविष्यवाणी भी हमने करी थी अमित शाह के लिए कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और गृह मंत्री भी बनेंगे, और वो भविष्यवाणी हमने 3 दिन पहले की थी और बाद में ठीक भी साबित हुई। तो नेशनल मीडिया की इतनी भीड़ में ये ऐसे सब कैसे पॉसिबल हो पाता है, इतनी बड़ी बड़ी खबरों को ब्रेक करना? आई एम प्राउड ऑफ माई टीम लेड बाई उमर, अनिता हाड़ा एंड सो मैनी अदर्स, प्राउड एंड माई ब्यूरो चीफ्स लाइक रिपोर्टर्स लाइक आदिति, श्वेता, यू ऑल इन ए वे, दिव्या एंड ऑल एवरीबडी, एंड नाउ टू न्यू अराइवल्स जो है। तो ये लोग मेहनत करते हैं, खबर लाते हैं, और खबर ही जीवन है इन ए वे, ये दिल्ली से खबर लाई है। तो सदी की सबसे बड़ी खबर मानता हूँ मैं अमित शाह का, इतना सीक्रेट सिस्टम है कि पत्ता नहीं हिलता, परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ से इस खबर का आ जाना उनके 10 किलोमीटर दूर से, उनके घर में तो घुस नहीं सकते आप, ठीक है ना, उनके 10 किलोमीटर दूर के कार्यकर्ता बैठा है उससे इस खबर का आ जाना कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, सबसे बड़ा फैसला तो ये था। फिर ये था कि वो गृह मंत्री बनेंगे, ये फैसला, तो आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, और अच्छा है, नाइस, द सेम स्पिरिट आई होप शुड कंटिन्यू इन द फ्यूचर आल्सो। 2000 बीच में सर ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपने साहस, अब कोई कुछ लाता है लेकिन उसको छापने का साहस, चाहे फिर वो ठीक है, एक दिन पहले आपने 370 फर्स्ट इंडिया के हेडलाइन छापे थे जो किसी भी अखबार में इतना साहस नहीं था, और आपने छापा था कि 370 और डिसइंटीग्रेशन, ये मैं मानता हूँ, और ये मुझे कभी कभी ऐसा गर्व महसूस होता है, कभी कीमत भी चुकानी पड़ती है, डांट भी पड़ती है, कई दफ़े डिस्प्लेजर भी आता है, एट टाइम्स कुछ और भी हो जाता है नुकसान, लेकिन ये कि खबर के साथ रिश्ता जो है ना, मोह प्यार मोहब्बत इतना है कि खबर को रोका नहीं जाता, खबर को लगाना पड़ता है, करेज इन ए वे, करेज तो एक कलेक्टिव है, कलेक्टिव सपोर्ट टू मी बाय द टीम, करेज विच ब्रिंग्स करेज टू मी एंड रेजेज माई मोरल इन ए वे। लेकिन अब ये सब टॉप लीडर दिल्ली और यहाँ समझने लग गए हैं कि जगदीश चंद्रा तो आदत से मजबूर है, खबर है तो खबर तो लगाएगा, है मीनिंगफुल आदमी, हमें नुकसान नहीं करेगा, पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, पर यार खबर तो ये करेगा, और नहीं तो कम से कम पट्टी जरूर लगाएगा, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। बिल्कुल सर, और भी कुछ अहम सवाल है खासतौर से मीडिया से जुड़े हुए भी, केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह का रुख रहता है उसे लेकर भी सवाल आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है, और चलिए सवाल कुछ और भी रह गए हैं, महेश जी हमारे साथ जुड़े, महेश जी आपका सवाल। मेरा सवाल यह है कि ये 2019 कई मायनों में याद रखा जाएगा, चाहे पॉलिटिकल हो या स्पोर्ट्स के हो या फिल्मी हो, धारा 370 हटाने का मसला हो, दो राज्य दो केंद्र शासित करने का मसला हो, ये भी माना जा रहा है कि ये साल अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के आरोप लगने का भी शायद ये साल माना जा रहा है, आप क्या कहते हैं? देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा का जो मुद्दा है, आरोप है या सच्ची घटनाएं हैं, वो हर शासन में होती हैं, यूपी में भी होती थी, यहाँ भी होती हैं, फ़र्क इतना सा है, मैंने कहा कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा होती हैं, वो आरोप थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वो वाली बात है। और रही बात इसकी चिदम्बरम शिवकुमार, आप देखते हैं अब उनका कहना ये है कि लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स, और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने आपको 100-100 दिन जेल में रखा, 106 दिन जेल में रखा, उनको 40 दिन जेल में रखा, 50 दिन जेल में रखा, तो कोई तो आधार होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके काम होंगे ऐसे इन ए वे जो है। और तीसरी आप इसमें जो एसपीजी वाली गांधी परिवार की बात आप कह रहे हैं, तो उनका एक पॉलिटिकल डिसीशन है, उनको लगा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, हर सरकार के अपने फैसले हैं, लेकिन हाँ ये बात तय है इस सरकार में पॉलिटिकल वेंडेटा के आरोप अपेक्षाकृत ज़्यादा लग रहे हैं।
जो एक चिंता का विषय है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर मेरा सवाल पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, जहां नवनियुक्त राज्यपाल और दीदी के बीच टकराव लगातार देखा जा रहा है, तो उसका अंत क्या होगा और क्या आपको लगता है कि ये टकराव जो है पश्चिम बंगाल को धारा 356 की तरफ ले जा रहा है? देखिए, टकराव तो स्वाभाविक है, धनखड़ केंद्र के नॉमिनी हैं और अदरवाइज आरएसएस की चॉइस हैं। आरएसएस को अपना बेस बनाना है अगले चुनाव से पहले, बीजेपी को अपना बेस बनाना है चुनाव से पहले। तो गवर्नर्स का रोल तो आज पहले भी ऐसे रहा, अब भी है, इन ए वे दे आर एम्बेसडर्स ऑफ द रूलिंग सेटअप, रूलिंग पार्टी। लेकिन ये कटुता थोड़ा ज़्यादा हो गई है वहाँ पे इन ए वे, और उसका कारण ये है कि दोनों पक्षों में थोड़ा सा इमेच्योरिटी का सेंस रहा होगा। उनका शपथ ग्रहण हुआ था जिस दिन, मैं मौजूद था, दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते थे। एक घंटा ममता बनर्जी वहाँ उनके चाय में रुकी थी, एक दर्जन मंत्री साथ लेके आई थी, बहुत अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया था। उसके बाद हालात बिगड़ने लगे, अल्टीमेट तो बिगड़ने थे, लेकिन चुनाव से पहले 2021 से पहले 3 महीने में इतने बिगड़ जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। धनखड़ ने भी थोड़ा लीक से हटके काम किया, यूनिवर्सिटी चले गए केंद्रीय मंत्री को बचाने के लिए। भाई, राजभवन से चलता है शासन गवर्नर का, गवर्नर का शासन सड़कों पे नहीं चलता जाके खड़े होने से। तो थोड़ा सा इमेच्योरिटी हुई उसमें, दिल्ली में भी लोगों ने माना कि इसे बचा जाना चाहिए था, पर चूँकि उनका इंटेंशन अच्छा था, बीजेपी के मंत्री को बचाने गए थे, तो इग्नोर किया लोगों ने। अब एक दूसरी घटना हो गई। कुल मिला के क्या है कि ममता बनर्जी ने धनखड़ को बंगाल में सक्सेसफुली एक विलन के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया है, और उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं उसके, 33% मुस्लिम वोटर्स, नरेंद्र मोदी अमित शाह की थोड़ी सी गिरती हुई पॉपुलरिटी, और अब है धनखड़ का व्यवहार और आचरण, तो ये उनके वोट कैचिंग का एक 5%, 2%, 1% मुद्दा अलग से हो गया वहाँ पे जो है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब क्या करो। सर, एक और प्रश्न है कि जब जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का, तब भी ये चर्चा हुई कि अमित शाह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। फिर हरियाणा चुनाव हुए, तब भी ये चर्चा चली कि अमित शाह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। तो आखिर कब ये बदलाव हुआ कि जेपी नड्डा पूर्णकालिक अध्यक्ष का पदभार संभाल लेंगे? देखिए, फिलहाल अमित शाह का पार्टी में विकल्प कोई है नहीं। जैसे वोट कैचर में सरकार में नरेंद्र मोदी का विकल्प भाजपा में नहीं है, अमित शाह का विकल्प है नहीं। जोड़ तोड़, साम नाम दंड भेद से चुनाव को जीतना, सामने वाले को पराजित करना, जो स्वाभाविक है लड़ाई में होता है, अमित शाह के अलावा कोई है नहीं। अमित शाह के पास काम ज़्यादा था, गृहमंत्री बन गए थे, आरएसएस का भी कहना था और का था भी। अब ज़रा थोड़ा सा कंपेरेटिवली पोलाइट और विनम्र आदमी को हम चांस दें, थोड़ा सा दिया नड्डा को चांस, लेकिन चुनाव सामने थे। अब चुनाव चांस ऐसा होगा कि चुनाव नहीं जीत पाए, अब दिल्ली का चुनाव सामने है, ये चुनौती है। तो आज जो आजकल में होना चाहिए था, नड्डा की ताजपोशी फुल फ्लेजेड, वो टल गई। फिर अभी क्या, संगठन के चुनाव होने हैं, वो चुनाव 16 को ख़त्म होने थे दिसंबर को, मलमास लग गया, एक महीना इसमें चला गया, अब 14 जनवरी से फिर काम शुरू होगा। और उनके पूरे अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम आधे राज्य अध्यक्षों का समर्थन होना ज़रूरी है। तो मैं नहीं समझता मार्च से पहले वो फुल फ्लेजेड बन पाएंगे, संभव नहीं लगता। और बनने के बाद ही मुझे लगता है कि अमित शाह इज इंडिस्पेंसेबल इन पार्टी एज ए ऑर्गेनाइजेशन पर्सन। तो बनेंगे भी वो, तो वो अमित शाह की शेडो में ही रहेंगे, उसी में काम करेंगे, क्यों अल्टीमेट तो जो टारगेट है वो क्या है, सीटें जीतने का है ना, पार्टी को सत्ता में लाने का है फिर से जो है। तो नड्डा बनेंगे, मार्च में डिक्लेयर हो सकते हैं फुल फ्लेजेड, लेकिन ओवरऑल सुपरविजन अमित शाह का ही रहेगा। सर, मेरा सवाल ये है कि देश की न्यायपालिका के इतिहास में 2019 का वर्ष क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्ष रहा है? निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का वर्ष रहा है 2019। आप देखिए, राम मंदिर का फैसला आया, राफेल का फैसला आया, SC ST एक्ट का फैसला आया करने के लिए, और आपका वो जो महिलाओं का मंदिर है साउथ में शंगाला, उसका फैसला आया, ठीक है ना, और 2-3 और बड़े फैसले आए इस तरह से। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये वर्ष उनका था, एंड दे प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हालांकि ये बात दूसरी है कि आज भी उनके कोर्ट्स में वैकेंसीज जारी हैं, 392 वैकेंसीज थी पहले पिछले साल, अब वो 410 वैकेंसीज अभी भी हाई कोर्ट जजेस की दैट वे जो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रोल अद्भुत रहा। सर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लीगल मेरिट्स के आधार पर फैसला देने वाला सुप्रीम कोर्ट अब राष्ट्र भावनाओं के आधार पर कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट एक बन चुका है, लिबरल कॉन्सेंसस इंस्टीट्यूट। इस बात में थोड़ा दम है, क्योंकि कई लोग इस बात को कहने लग गए हैं
कि स्ट्रिक्टली मेरिट के आधार पे राम मंदिर का फैसला भी उन्होंने किया, तो राष्ट्र की भावनाओं को भी ध्यान में रखा और एक शांति स्थापित करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर कंटिन्यू बना रहे वो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट भी उन्होंने अपने दिमाग में रखा। और भी फैसले वो जो करते हैं तो आजकल ये कहा जाता है कि वो एक कंसेंसस फैसला बनाते हैं, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं और फिर फैसला देते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। कारण क्या है, देश की सर्वोच्च संस्था अगर कोई फैसला ऐसा करती, इसे लागू नहीं किया जा सकता या वो फैसला बहुमत को मंजूर नहीं है, तो केवल लीगल ग्राउंड पे फैसला करके क्या करेंगे आप? तो सुप्रीम कोर्ट का नया रूप है, अमेंडेड रूप है, ये फ्लेक्सिबल रूप है जिसे कहते हैं, ये कंसेंसस का रूप है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए इन ए वे बाय एंड लार्ज। क्यों, लोगों को एकदम से तिलांजलि तो नहीं दे रहे वो, और थोड़ा बहुत एकोमोडेशन कर रहे हैं, इज़ फाइन। सर, और अब एक आखिरी सवाल, साल 2020 में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ आप क्या मानते हैं? 20 की चुनौतियाँ देखिए दो ही हैं चुनौतियाँ पूरे देश के सामने, खास करके नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने। वन, NRSC के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं हो, लार्ज स्केल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं हो। और दूसरा ये है कि मंदिर हो चुका, 370 हो चुका, NRC हो चुका, अब प्लीज़ एंड प्लीज़ आम आदमी को आर्थिक राहत देने वाले आर्थिक सुधारों पे फोकस कीजिए ताकि देश में खुशहाली हो और मार्केट में कभी कभी जो सेंटिमेंट आता है मंदी का, इससे हम मुक्त हों और आर्थिक क्षेत्र में जिसे कहना चाहिए जितनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इनकी उन्होंने एक्सेल किया है पॉलिटिकल फील्ड में, उतना ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वो आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाएं। इसी मनोकामना और चुनौती के साथ विश यू ऑल बेस्ट ऑफ द न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आपकी इस पूरी समीक्षा के बाद ये तो तय है कि 2019 में बहुत कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए जो इतिहास में दर्ज होंगे, कोई भूल नहीं सकता, तो साथ ही साथ 2020 की भी दशा और दिशा देश की क्या रहेगी वो भी यहाँ पर तय होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी समीक्षा के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी को फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।